नमस्कार दोस्तों, यूएस तवर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी 51वीं क्लास है और हम पढ़ेंगे सोयल साइंस। ठीक है, आज का हमारा बिंदु सोयल साइंस है, तो चलिए सोयल साइंस के बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं हम लोग। सोयल, आज का हमारा बिंदु है सोयल। सोयल को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? मृदा। सोयल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मृदा। देखिए, खेती के लिए मिट्टी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। खेती के लिए मिट्टी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो सामान्यतः हम लोग जो खेती करते हैं वो मिट्टी के ऊपर ही करते हैं, मृदा के ऊपर ही हम खेती करते हैं। अगर हम बिना मिट्टी के खेती करें, सामान्यतः हम लोग मिट्टी पे खेती करते हैं वैसे तो, लेकिन अगर हम बिना मिट्टी के खेती करें तो उसे क्या, उसे किस प्रकार की खेती कहेंगे? तो उसे हाइड्रोपोनिक्स कहेंगे। कौन से कहेंगे? हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर, है ना, हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर, बिना मिट्टी के खेती, बिना मिट्टी के खेती करना, बिना मिट्टी के खेती करना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक, हाइड्रोपोनिक कृषि। इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, पानी की मात्रा के अनुसार ही पौधे का जर्मिनेशन किया जाता है, पौधे की ग्रोथ की जाती है। तो अगर हम मिट्टी पे खेती कर रहे हैं तो सामान्य कृषि है, और मान लीजिए बिना मिट्टी के खेती कर रहे हैं तो उसे कौन सा कृषि कहेंगे? उसे हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर कहेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मृदा, तो मृदा शब्द आते ही कई क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाते हैं कि सर मृदा क्या है, मृदा की परिभाषा क्या है, मृदा हम किसे कहेंगे, इसका एग्रीकल्चर में क्या रोल है, कैसे मृदा बनती है, ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है, मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये सभी प्रकार के प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो हम पॉइंट चालू कर रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि सोयल साइंस आपके सिलेबस में क्या है, सोयल साइंस। तो देखिए, मृदा का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को बोलते हैं मृदा विज्ञान, अर्थात मृदा का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मृदा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। किसमें करते हैं बच्चों? मृदा विज्ञान। ध्यान रखना, देखो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाते हुए चलूंगा, एक एक बातों को समझते हुए चलना है, और उन्हीं बातों से फिर हम लोग आने वाले क्वेश्चंस के आंसर आपको हम देंगे। तो ये क्या है, ये कनेक्टिव लिंक है, ये योजक कड़ी है। जैसे जैसे आप इनको समझते जाएंगे तो आने वाले जो चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा या इसी में ही जो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। तो पहला हमने आपको पॉइंट क्या लिखवाया कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान कहलाता है। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान कहलाता है। अब देखिए, मृदा विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? सोयल साइंस। सोयल साइंस, ठीक है ना, ये बोलते हैं ना मृदा विज्ञान, जो मृदा विज्ञान है इसे हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोयल साइंस। अब इसमें पहला प्रश्न निकलता है कि सोयल साइंस किस भाषा का शब्द है, सोयल साइंस किस भाषा का शब्द है? तो यहां पे देखिए, सोयल साइंस को लिखिए आप, सोयल साइंस। सोयल साइंस किस भाषा का शब्द है? सोयल साइंस लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है बच्चों? लैटिन भाषा का शब्द है। सोयल साइंस किस भाषा का शब्द है? सोयल साइंस लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, क्लियर।
सोयल साइंस किस भाषा का शब्द है? सोयल साइंस लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट, लैटिन भाषा के किस शब्द से इसका निर्माण हुआ है? तो लैटिन भाषा के सोलन, लैटिन भाषा के सोलन, इसको बोलते हैं सोलन, सोलन शब्द, लैटिन भाषा के सोलन शब्द से इसका निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ है, इस सोलन का अर्थ, सोलन का अर्थ क्या है? सोलन का अर्थ है फर्श। दोबारा समझिए, सोयल साइंस लैटिन भाषा के सोलन शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है फर्श। इस सोलन का अर्थ क्या है? फर्श। आगे समझ में, सोयल साइंस लैटिन भाषा के सोलन शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है फर्श, ठीक है। सोयल साइंस किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, क्लियर, इसको लिख लीजिए आप। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि सोयल साइंस के फादर किसे कहेंगे, ठीक है, फादर ऑफ सोयल साइंस। फादर ऑफ सोयल साइंस किसे कहेंगे? जिसका नाम आप जानते हो, जिसका नाम है वीवी डोकुचेव, है ना। ये आपके केमिस्ट्री की जो 12th की बुक है उसमें इसका नाम दिया गया है, डोकुचेव जो साइंटिस्ट है ना, उसको फादर ऑफ सोयल साइंस कहा गया है। फादर ऑफ सोयल साइंस किसे कहा गया है? डोकुचेव, ठीक है। साथ साथ आप इनको हैंड टू हैंड लिखते चलिए, ये छोटे छोटे प्रश्न इनको साथ साथ आप लिखते चलिए। तो सोयल साइंस लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि सोलन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है फर्श, ठीक है। फादर ऑफ सोयल साइंस मृदा विज्ञान के पिताजी किसे कहे, मृदा विज्ञान के जनक किसे कहा गया है? डोकुचेव, ठीक है। आगे चलिए, ठीक, अगला इसमें बिंदु हमारे सामने निकल करके ये आता है कि जो मृदा है, ठीक है, मृदा में जो मृदा को कई नामों से बुलाया गया है, जिसमें एक नाम है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, या मृदा को प्राकृतिक पिंड, मृदा को प्राकृतिक पिंड, पिंड इसको बोलते हैं नेचुरल बॉडी, प्राकृतिक पिंड क्या बोलेंगे इंग्लिश में, नेचुरल बॉडी, मृदा को प्राकृतिक पिंड या नेचुरल बॉडी किसने कहा, सॉरी, मृदा को प्राकृतिक पिंड नेचुरल बॉडी किसने कहा, सही है। तो इसमें दो वैज्ञानिकों के नाम है, इसमें दो साइंटिस्टों के नाम है, जिसमें है बैकमैन और दूसरे का नाम है ब्रैडी, पहला बैकमैन और दूसरा ब्रैडी। इसके आंसर में लिखो आप, आंसर किसने कहा था, बैकमैन एवं ब्रैडी, ठीक है ना, बैकमैन एवं ब्रैडी ने मृदा को प्राकृतिक पिंड या नेचुरल बॉडी किसने कहा, मृदा को प्राकृतिक पिंड या नेचुरल बॉडी बैकमैन एवं ब्रैडी ने कहा था, अर्थात बैकमैन एवं ब्रैडी के अनुसार मृदा क्या है, एक प्राकृतिक पिंड है। दोबारा समझिए, बैकमैन और ब्रैडी एक साइंटिस्ट है, ये दोनों साइंटिस्टों के नाम है, बैकमैन एक अलग साइंटिस्ट है, ब्रैडी एक अलग साइंटिस्ट है। तो बैकमैन एवं ब्रैडी साइंटिस्ट के अनुसार मृदा को, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, इन दोनों वैज्ञानिकों के अनुसार मृदा क्या है, एक प्राकृतिक पिंड है, अर्थात अकॉर्डिंग टू बैकमैन एंड ब्रैडी, अकॉर्डिंग टू बैकमैन एंड ब्रैडी, सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी,
सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी, अर्थात बैकमैन और ब्रॉडी के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। अब प्राकृतिक पिंड है तो इसमें किन किन चीजों का समावेश होगा? प्राकृतिक पिंड के अर्थात जो कि विच्छेदित एवं अपेक्षित खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बनी हुई है ना, जो कि विच्छेदित एवं अपेक्षित कार्बनिक पदार्थ सॉरी जो कि विच्छेदित एवं अपेक्षित खनिज पदार्थ तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बनी है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। आपकी 12th की बुक में डेफिनेशन है, आप इसको पढ़ लेना आराम से, आपको वहां मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, मृदा जो है इसकी परिभाषा अगर आप लिखने चाहते हैं तो मृदा की परिभाषा आप लिखिए, हिंदी में लिखिए, है ना, कि मृदा मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जिसपे समस्त मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जिसपे समस्त मौसमी तथा जैविक क्रियाएं की जाती हैं। मौसमी तथा जैविक क्रियाएं समावेश होती हैं, ये लिख सकते हो आप कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जिसमें मौसम संबंधी क्रियाएं तथा जैविक क्रियाएं समावेशित होती हैं या की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जो सोयल साइंस है, इस सोयल साइंस की मुख्यतः दो शाखाएं हैं। सोयल साइंस है, इसकी मुख्यतः कितनी शाखा है? दो शाखाएं हैं। देखो, परिभाषा कहीं कोई नहीं पूछता, डेफिनेशन का क्वेश्चन सोयल साइंस में अभी तक आया नहीं है और डेफिनेशन का क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ठीक है, तो इसमें इसका दूसरा जो इसमें मेन पॉइंट बन रहा है वो ये है कि सोयल साइंस के दो मुख्य भाग हैं, सोयल साइंस के दो मुख्य ब्रांच कह सकते हो आप, जिसमें एक तो है पेडोलॉजी और दूसरी है एडेफोलॉजी। ठीक है, पहली जो है वो है पेडोलॉजी और दूसरी है एडेफोलॉजी। ठीक है, इनको लिखिए आप। सोयल साइंस इसके दो भाग है बच्चों, एक भाग है पेडोलॉजी ठीक है पेडोलॉजी, दूसरा है एरेथोलॉजी। ठीक है, इसको आपको अंग्रेजी में याद करना है, इसको आपको हिंदी में नहीं लिखना, इसको आपको अंग्रेजी में ही याद करना है। तो पहली है पेडोलॉजी और दूसरी एडेफोलॉजी। चलिए अब इनके बारे में आपको मैं लिखवा देता हूं। पेडोलॉजी क्या है? पेडोलॉजी क्या है, समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा लिख दूंगा इसको। अब समझ में आ गया, ठीक है, पेडोलॉजी ठीक और ये एडेफोलॉजी। पैरेलोजी इसमें आता है कि मृदा के पैरेलोजी शब्द जो कि पैरोन से मिलकर बना है, किससे बना है? पैरोन से मिलकर बना है। पैरेलोजी पैरोन से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है? पैरोन से। पैरोन का मतलब क्या होता है? पैतृक पदार्थ। पैरोन का मतलब क्या होता है बच्चों? पैतृक पदार्थ। है ना, पैतृक पदार्थ अर्थात इसमें जो जितने भी चीजें आएंगी वो आएगी कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, मृदा का निर्माण, मृदा का संगठन, ठीक है, इसके अलावा इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसी के अंतर्गत आएगा। पैडोलॉजी में मृदा का निर्माण, मृदा का संगठन और मृदा का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, भौगोलिक वितरण। पैतृक पदार्थ में कौन कौन सी जाएंगी? मृदा का निर्माण, मृदा निर्माण ठीक है, सॉइल पहला आता है, सॉइल ओरिजिन, दूसरा सॉइल स्ट्रक्चर, दूसरा मृदा स्ट्रक्चर यानी संरचना, मृदा संरचना
सोयल स्ट्रक्चर, तीसरा आता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, पहला है ओरिजिन, इसको हिंदी में बोलते हैं मृदा का निर्माण, दूसरा है आपका फॉर्मेशन, फॉर्मेशन को आप कह सकते हो, ठीक है, संरचना भी, संरचना स्ट्रक्चर फॉर्मेशन एक अलग चीज है, संगठन कह सकते हो, अभी कर देंगे, और तीसरा जो है वो है अपना जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या भौगोलिक वितरण, ठीक है, भौगोलिक वितरण। तो आप तीनों के बारे में लिख लीजिए, मृदा निर्माण, ठीक है, दूसरा मृदा संगठन और भौगोलिक वितरण। मृदा संगठन, और तीसरा है भौगोलिक वितरण। चलिए अब इसको समझिए, सोयल साइंस शब्द, सोयल साइंस शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, हालांकि वो एक अलग चीज है, सोयल साइंस है, इसकी दो शाखाएं हैं, एक तो है एरेफियोलॉजी, दूसरी इसकी, सॉरी, एक तो पैरेलॉजी, दूसरी एरेफियोलॉजी, ठीक है। पैरेलॉजी जो है, पैरेलॉजी पैरोन से मिलकर बना है, पैरेलॉजी शब्द किससे मिलकर बना है बच्चों, पैरोन से, इसको अंग्रेजी में लिखना चाहिए अंग्रेजी में लिख सकते हो आप पैरोन को, PEDON, है ना, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पैरोलॉजी शब्द पैरोन से मिलकर बना है, पैरोन का मतलब होता है पैतृक पदार्थ, पैरोन का मतलब पैतृक पदार्थ, अर्थात आप इसको समझो, अर्थात मृदा की वह शाखा, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा निर्माण, मृदा संगठन और मृदा का भौगोलिक वितरण के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उससे हम क्या कहेंगे, पैरोलॉजी कहेंगे। आगे समझ में, पैरोलॉजी मृदा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मृदा निर्माण, मृदा संरचना, मृदा भौगोलिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। तो पैरोलॉजी जो होती है ये पैरोन से मिलकर बनी है, पैरोन का मतलब होता है पैतृक पदार्थ, पैरोन का मतलब पैतृक पदार्थ, मतलब सॉइल का निर्माण, मृदा का निर्माण के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, जो भी चीजें होती हैं सॉइल, ओरिजिन ऑफ सॉइल, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, दूसरा होता है इसका और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन सब चीजों के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो वो आएगा पैरोलॉजी में, मतलब मृदा का निर्माण कैसे हो रहा है, मृदा की क्रियाविधि क्या है, मृदा में कौन कौन से चीजें समावेशित है, किस किस चीजों से मिलकर अपनी सॉइल बन रही है, तो वो सारी चीजें पैरोलॉजी में आएंगी, पैतृक पदार्थों में आएंगी। दूसरा आता है एरेफियोलॉजी, एरेफियोलॉजी इसका जस्ट विपरीत है, जो एरेफियोलॉजी है इसका जस्ट विपरीत है, जहां हम पैरोलॉजी में पढ़ रहे हैं कि मृदा का निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ एरेफियोलॉजी में पढ़ेंगे कि मृदा का पौधों के साथ संबंध, रिलेशन, इट्स स्टडी सॉइल इन रिलेशन टू क्रॉप ग्रोथ, ठीक है। एरेफियोलॉजी में मृदा का फसल वृद्धि, से संबंध, ठीक है, इसको ढंग से समझो आप, पैरोलॉजी मतलब समझ में आ गया कि मृदा किस प्रकार से बन रही है, पैरोलॉजी पैरोन, पैरोन यानी पैतृक पदार्थ, पैतृक पदार्थ में कौन कौन सी जाएंगी, मृदा बन कैसे रही है, मृदा का संगठन क्या है, इसके अलावा उस मृदा का वितरण क्या है, भौगोलिक वितरण क्या है, जैसे लवणीय मृदा कहाँ पाई जा रही है, क्षारीय मृदा कहाँ पाई जा रही है, मृदा निर्माण जैसे क्ले मृदा कैसे बनी, ठीक है, आपके बालू मृदा कैसे बनी, सिल्ट मृदा कैसे बनी, मृदा संगठन, मृदा संगठन में बालू मृदा का कणाकार क्या है, सिल्ट मृदा का कणाकार क्या है, तो ये सारी चीजें मृदा से संबंधित सारे कार्य पैरोलॉजी में किए जाएंगे। वहीं एरेफियोलॉजी में मृदा का पौधों के साथ संबंध, सॉइल का प्लांट ग्रोथ के साथ क्या रिलेशन है, तो एरेफियोलॉजी में फसल के साथ संबंध के बारे में पढ़ा जाता है और पैरोलॉजी में मृदा निर्माण के बारे में पढ़ा जाता है। आगे समझ में, पैरोलॉजी से प्रश्न पूछा जाए कि पैरोलॉजी का संबंध है, पैरोलॉजी का संबंध है, तो आपको देखना है पैरोलॉजी यानी सारी चीजें मृदा निर्माण संबंधित है, जिसमें मृदा का निर्माण, मृदा का संगठन,
और मृदा का वितरण, मृदा निर्माण, मृदा का संगठन, मृदा का वितरण, इन चीजों से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछता है तो किसमें आएगा? पैडोलॉजी में आएगा। और मान लीजिए फसल वृद्धि से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है कि फसल वृद्धि में इसका क्या योगदान है, तो किसमें आएगा? एडेपोलॉजी में आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न BHU और ICAR में पूछे जाते हैं, तो इनकी आपके इनके जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो पैडोलॉजी यानी पैडोन और एडेपोलॉजी यानी फसल वृद्धि के साथ संबंध, इन दोनों को आप लिख लीजिए, फिर हम आगे के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि मृदा निर्माण और उससे प्रभावित होने वाले कारक, हम किसके बारे में पढ़ेंगे बताओ आप? मैं बोल रहा हूं मृदा निर्माण और उससे प्रभावित होने वाले कारक। अब बताइए हम सोयल साइंस में मुख्यतः सोयल साइंस में किसकी स्टडी की जाती है? पैडोलॉजी की, एडेपोलॉजी की, बताइए। मैंने आपको बता दिया कि सोयल साइंस जो है उसके दो भाग, एक तो भाग है पैडोलॉजी, दूसरा भाग है एडेपोलॉजी। ठीक है, पैरोलॉजी में पैरोन का मतलब होता है पैतृक पदार्थ, मतलब मृदा किन किन चीजों से मिलकर बनी है, मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, मृदा में कौन कौन से तत्व मौजूद हैं, इसका भौगोलिक वितरण क्या है, तो वो सारी चीजें हम पैरोलॉजी में पढ़ेंगे। एडेपोलॉजी में केवल इतना पढ़ेंगे कि मृदा का फसल के साथ क्या संबंध है, मृदा का फसल वृद्धि के साथ क्या संबंध है, सॉइल इज रिलेशन टू क्रॉप ग्रोथ। ठीक है, तो इन दोनों के साथ संबंध क्या है वो केवल हम इसमें पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि अभी हम पढ़ेंगे मृदा निर्माण और उसको प्रभावित करने वाले कारक। अब मृदा निर्माण और उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो उसके मतलब हम एडेपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, पैडोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, बताइए किसके बारे में पढ़ेंगे? एडेपोलॉजी के बारे में, क्योंकि पहला पॉइंट क्या है? मृदा का निर्माण। फर्स्ट पॉइंट क्या है? मृदा का निर्माण। अब देखिए जो सोयल साइंस है, सोयल साइंस का मैक्सिमम अधिकतम पोर्शन किसके अंतर्गत आता है? पैडोलॉजी के अंतर्गत आता है। एडेपोलॉजी में बहुत कम पोर्शन आता है, बहुत कम, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पोर्शन किसमें आता है? पैडोलॉजी में। चूंकि सोयल साइंस का फादर डोकुचेव को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? डोकुचेव को। तो सोयल साइंस का मेन जो है ब्रांच कौन सा हुआ? पैडोलॉजी। तो पैडोलॉजी का फादर भी डोकुचेव को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चों? डोकुचेव को। आगे ना समझ में? डोकुचेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि सोयल साइंस का जो सारा अध्ययन है, मृदा निर्माण, कंपोजिशन, संगठन, डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब पैडोलॉजी में पढ़ेंगे हम। एडेपोलॉजी में तो उस सोयल का पौधा वृद्धि के साथ क्या संबंध है, ओनली फॉर रिलेशन, ओनली फॉर रिलेशन। क्या है यहां? हम केवल रिलेशन पढ़ेंगे, यहां पूरी सोयल साइंस पढ़ेंगे, यहां पे फुल सोयल साइंस कवर हो रही है, लेकिन यहां केवल रिलेशन कवर हो रहा है। तो सोयल साइंस ज्यादा कवर हो रही है, इसका मतलब सोयल साइंस का पूरा पोर्शन ये ले रहा है, तो सोयल साइंस को पैडोलॉजी कह सकते हैं हम। इसलिए सोयल साइंस का फादर डोकुचेव है, तो पैडोलॉजी का फादर भी डोकुचेव है। आपसे पूछा जाए प्रश्न में, मान लीजिए मैंने लिखा है सोयल साइंस, वहां पूछ लिया फादर ऑफ पैडोलॉजी, तो आपको क्या करना है? जैसे पैडोलॉजी आए तुरंत करना है डोकुचेव, क्योंकि सोयल साइंस का मैक्सिमम पोर्शन पैडोलॉजी में आता है। दूसरी बात, मृदा का अध्ययन किया जाता है, मृदा का अध्ययन, वहां पे पैडोलॉजी आ जाए। मृदा निर्माण का अध्ययन किया जाता है तो पैडोलॉजी, एडेपोलॉजी, बोथ, नन ऑफ दीज, दोनों में इनमें कोई नहीं। तो आपको पता है कि मृदा निर्माण, मृदा के जितने भी सारे कार्य हैं, जितने भी सोयल एक्टिविटीज हैं, सारे पैडोलॉजी में किए जाएंगे। एडेपोलॉजी में तो केवल रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि पौधे का मृदा के साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं मृदा निर्माण और उससे प्रभावित होने वाले कारक। तो चलिए हम चर्चा कर रहे हैं इनके बारे में। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे मृदा निर्माण के बारे में। अभी अभी हाल ही हाल टिड्डियों का एक दल बहुत ही भयंकर तरीके से यहाँ से गुजरा है। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और 7 बजे क्लास लगाई जा रही है आज, तो शाम को 7 बजे टिड्डियों का दल बहुत भयंकर तरीके से निकला यहाँ से, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। अभी अभी हाल ही हाल में हमने उसको देखा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि टिड्डी अटैक कर रही है और पूर्व की तरफ गति कर रही है, और उसी के तहत देखिए टिड्डियां गति करती हुई आपको मिलेगी। तो आप इस चीज को जरूर से जरूर देखना, हमारे साथ शेयर करना बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे थे मृदा निर्माण, ठीक है, और उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो आपको समझा दिया,
सोयल साइंस के दो भाग होते हैं, पैडोलॉजी और एडेफोलॉजी। पैडोलॉजी में पूरा सोयल साइंस है, एडेफोलॉजी में ओनली फॉर रिलेशन टू क्रॉप, केवल रिलेशन टू क्रॉप। इसलिए सोयल साइंस का फादर डोकुजे है, तो पैडोलॉजी का भी डोकुजे। चलिए, और पैडोलॉजी क्या पढ़ेंगे हम, मृदा निर्माण, मृदा संगठन और भौगोलिक वितरण। आगे समझ, आगे चलिए। देखो बच्चों, एक एक चीज को हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अब आगे हम बात करेंगे मृदा निर्माण और उसको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, पहला है मृदा निर्माण। सबसे पहले है मृदा निर्माण, मृदा निर्माण कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, सॉइल ओरिजिन, सॉइल ओरिजिन। तो बच्चों, मृदा जो है, आपको पता है कि मृदा एक ऊपरी सतह है। ठीक है, मृदा पृथ्वी की एक ऊपरी सतह है। ठीक है, तो एक परत के रूप में कार्य करती है और इसका निर्माण चट्टानों और खनिजों के अपक्षय से होता है। निर्माण किससे होता है, चट्टानों और खनिजों के अपक्षय से। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है, चट्टानों एवं खनिजों के अपक्षय से। ठीक है ना, मृदा निर्माण किससे होता है बच्चों, मृदा का निर्माण चट्टानों एवं खनिजों के अपक्षय से होता है। और मृदा क्या है, मृदा पृथ्वी, पृथ्वी की ऊपरी परतदार सतह है। कैसी सतह है, ऊपरी परतदार सतह है। ठीक है ना, पृथ्वी की ऊपरी और परतदार सतह होती है, उसे क्या बोलेंगे हम, मृदा कहेंगे। तो मृदा बनी कैसे है, मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, मृदा का निर्माण चट्टानों और खनिजों के अपक्षय से हुआ है, उनके टूटने से हुआ है, उनके वितरण से हुआ है। ठीक है, तो मृदा निर्माण में और जो चीजें हैं हमारे सामने वाली, वो ये है कि मृदा का जो निर्माण होता है वो दो अवस्थाओं में होता है। कितने अवस्था में होता है बच्चों, दो अवस्थाओं में मृदा का जो निर्माण है वो दो अवस्थाओं में होता है। पहली बात आके समझ में आएगी कि मृदा निर्माण क्या है, मृदा निर्माण चट्टानों एवं खनिजों के अपक्षय से मृदा का निर्माण होता है। लेकिन इसकी अवस्थाएं दो होती हैं, मृदा निर्माण की दो अवस्थाएं होती हैं, टू स्टेज। मृदा निर्माण की दो अवस्थाएं होती हैं, कितनी होती बच्चों, दो अवस्थाएं होती हैं। पहली, फर्स्ट जो स्टेज है, पहली अवस्था। तो बच्चों, पहली अवस्था में क्या होगा, पहली अवस्था में आपको मैंने बताया था कि पहली अवस्था में जो अपने खनिज और चट्टाने जो है, ये इनके अपक्षय से किसका निर्माण होगा, मूल पदार्थ का निर्माण होगा। खनिज और चट्टानों के अपक्षय से किसका निर्माण होगा, मूल पदार्थ का निर्माण होगा। तो पहली स्टेज तो यही आ गई, पहली स्टेज कौन सी आ गई, सेम टू सेम कि चट्टानों एवं खनिजों के अपक्षय के अपक्षय से मूल पदार्थ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों, मूल पदार्थ का, जो इसका मूल पदार्थ होता है उसका निर्माण होता है। आगे समझ में, मूल पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है ना, चट्टानों एवं खनिजों के अपक्षय से मूल पदार्थ का निर्माण होता है, तो वही हमारी मृदा है। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहली स्टेप में चट्टानों एवं खनिजों का अपक्षय से किसका निर्माण होगा, अपक्षय होने के बाद मूल पदार्थ बनेगा। पहले क्या बनेगा, मूल पदार्थ। कैसे बनेगा, चट्टानों एवं खनिजों के अपक्षय से। ठीक है, अब आता है सेकंड स्टेज।
दूसरी अवस्था, तो दूसरी अवस्था में क्या होगा आप देखिए, जो दूसरी अवस्था है, दूसरी अवस्था में जो मूल पदार्थ है, मूल पदार्थ जो कि जैसे कि मूल पदार्थ पर जो सक्रिय कारक है, मतलब क्रियाशील जो कारक है, जैसे जलवायु, जैव मंडल, ठीक है, इसी के साथ साथ निष्क्रिय कारक, कौन कौन से, सक्रिय एवं निष्क्रिय कारक, ठीक है, तो ये जो कारक है, ये कारक एविरम प्रक्रिया से मृदा का निर्माण करते हैं, अर्थात लगातार जो क्रिया होती है उससे मृदा का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं, आगे समझ में। दूसरी अवस्था में क्या है कि मूल पदार्थ में सक्रिय और दूसरा है निष्क्रिय, सक्रिय और निष्क्रिय जो क्रियाएं होती हैं, जो कारक होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय कारक जो है, इनके लगातार क्रिया से, एविराम प्रक्रिया से मृदा का निर्माण होता है, ठीक है ना। दूसरी अवस्था में क्या होता है, पहली स्टेज में तो मूल पदार्थ बन गया, दूसरी अवस्था जो है, दूसरी अवस्था इसमें देखिए, दूसरी अवस्था में क्या होगा, दूसरी अवस्था में मूल पदार्थ, जो मूल पदार्थ था आपका, इस मूल पदार्थ पर सक्रिय कौन से, सक्रिय व निष्क्रिय, सक्रिय व निष्क्रिय, एक्टिव एंड इनएक्टिव, एक्टिव एंड इनएक्टिव, ठीक है, सक्रिय एवं निष्क्रिय कारक लगातार कार्य करते हैं जिससे कि मृदा का निर्माण होता है, लगातार कार्य करते हैं जिससे किसके निर्माण होता है, जिससे मृदा का निर्माण होता है, आ गया समझ में, मृदा कैसे बनी, जिससे मृदा का निर्माण होता है, आ गया समझ में। आपसे पूछा जाए सॉइल कैसे बनी, यहां हम ये समझ रहे हैं कि मृदा कैसे बनी है, तो बच्चों मृदा का जो बनने का जो प्रोसेस है, मृदा निर्माण का जो प्रोसेस है, मृदा निर्माण कहेंगे किसे, कि चट्टानों एवं खनिजों की अपेक्ष से जो प्राप्त होता है, इनके अपेक्ष से जो मटेरियल हमें मिलेगा उसे हम मृदा कहेंगे, लेकिन ये भी दो प्रोसेस में कार्य करता है, ये भी दो अवस्थाओं में कार्य करता है, इसकी भी दो अवस्था है मृदा निर्माण की। पहली अवस्था ये है कि पहली स्टेज में क्या होगा, जो चट्टाने हैं और जो खनिज पदार्थ है, ये आपस में टकराएंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएंगे। पहले क्या होगा, चट्टान और खनिज टकराएंगे और इनसे जो पहाड़ है, पत्थर है, जो कि क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होगा। दूसरी स्टेप जो होती है, या कह सकते हो कि जो हमारा चट्टान है और जो खनिज पदार्थ इनके टकराने से पहले बनेगा मूल पदार्थ, जिसको बोलते हैं बेस, जो मटेरियल होता है, जो मूल पदार्थ है, पहले मूल पदार्थ बनेगा, चट्टाने एवं खनिज लवणों के मिलने से पहले मूल पदार्थ का निर्माण होता है पहली स्टेप में। दूसरी स्टेप में उस मूल पदार्थ के ऊपर सक्रिय और निष्क्रिय जो कारक है, सक्रिय यानी जो क्रियाशील है और निष्क्रिय यानी जो क्रियाशील नहीं है, तो सक्रिय और निष्क्रिय कारक लगातार कार्य करते हैं, बिल्कुल बिना रुके हुए कार्य करते हैं, तो उससे हमारी मृदा का निर्माण होता है, उससे मृदा का निर्माण होता है। जैसे सबसे बेस्ट आपको एग्जांपल दूंगा मैं कि पहाड़ से बारिश के दिनों में बजरी निकलती है, देखा होगा आपने कि पहाड़ से बारिश के दिनों में बजरी निकलती है, उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है कि पहाड़ क्षेत्र जो होता है, बारिश के पानी से कट करके, कटने के बाद वो छोटे छोटे रूप में विभाजित हो जाता है, उसके बाद उस छोटे छोटे रूप को सक्रिय और निष्क्रिय कारक, सक्रिय और निष्क्रिय कारक और छोटे छोटे रूपों में विभाजित करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मृदा कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम मृदा कहेंगे, उसे हम सॉइल कहेंगे। तो सॉइल के निर्माण में ये दो प्रोसेस है, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली प्रोसेस क्या कहती है, पहली प्रोसेस में खनिज और आपके मिनरल्स, ठीक है, खनिज और चट्टान, रॉक्स एंड मिनरल्स, है ना,
रॉक्स और मिनरल्स या खनिज और चट्टानों के अपेक्षय से, दोनों के क्षरण से, दोनों के टूटने से बेस रूट सिस्टम बन रहा है, बेस मटेरियल तैयार हो रहा है, मूल पदार्थ बन रहा है, और उस मूल पदार्थ पर सक्रिय और निष्क्रिय कारकों की क्रिया करने से, लगातार क्रिया करने से हमारी मृदा का निर्माण हो रहा है। वैसे पूछा जाए कि मृदा का निर्माण कितने दिनों में होता है, तो बच्चों सामान्य स्थिति में मृदा का निर्माण 4 से 5 हजार वर्षों में हो जाता है। 4 से 5 हजार वर्षों में मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा का निर्माण एक बहुत ही स्लो प्रक्रिया है। हम चाहें कि हम मृदा आज ही बना दे तो नहीं बनेगी, हम चाहें कि मृदा हम अभी बना दे मृदा नहीं बनेगी। ये हजारों वर्षों के संयोग से मृदा बनती है, हजारों वर्षों के योग से मृदा बनती है। तो 4 से 5 हजार वर्षों में कब बनेगी, जब स्थितियां अनुकूल होगी। मान लीजिए परिस्थितियां विपरीत हैं, तो उस स्थिति में मृदा बनने में 10 हजार वर्ष का भी समय लग सकता है, 10 हजार वर्षों से भी अधिक का समय लग सकता है। तो एक सामान्य जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब हम पढ़ेंगे कि इसको प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। अब आपको मैंने बताया था कि जो सोइल है इसका निर्माण किससे हुआ है, सोलन से हुआ है कि नहीं, जिसका अर्थ क्या है, फर्श है। तो यही चीज जो हमने मृदा निर्माण की है, यही चीज क्या कहलाएगी, सोलन कहलाएगी। जो मृदा का निर्माण हमने किया है, यही निर्माण सोलन कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, सोलन कहलाएगी। क्योंकि मैंने आपको बनाया था सोलन किसमें बनाया था, पैडोलॉजी में। पैडोलॉजी मतलब पैरोन, पैरोन यानी पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ में सबसे पहले मिट्टी बन रही है, शुद्ध मिट्टी बन रही है, तो यही क्या कहलाएगी, सोलन कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी, सोलन, इसका मतलब फर्श। आगे चलिए, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से उनके बारे में पढ़ेंगे। आप इनको उतार लीजिए बच्चे ऐसे कैसे सेम टू सेम, और इनको पढ़ना देखो। इनमें से बहुत सी चीजें हैं जो आगे आपके काम आएंगे, आगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझते हुए धीरे धीरे चलो आप। सॉइल साइंस बहुत ही सिंपल चैप्टर दिखने में, लेकिन जब इसको पढ़ोगे ना तो ये बहुत कठिन पड़ जाता है। इस सोयल साइंस से सन 2015 में ऑल इंडिया 8वीं रैंक के साथ मैंने बीएचयू में सिलेक्शन प्राप्त किया था एमएससी के लिए। सोयल साइंस विषय से एमएससी के लिए ऑल इंडिया 8वीं रैंक के साथ मैंने सिलेक्शन लिया था बीएचयू में, और मुझे सोयल साइंस मिली थी सब्जेक्ट में, सोयल साइंस से आप एमएससी करिए, लेकिन मैंने नहीं की और मैंने एग्रोनॉमी से एमएससी की। उसमें भी देखो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल दोनों लेके आए। तो अब पढ़ेंगे हम मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा निर्माण को प्रभावित प्रभावित करने वाले कारक, देखिए मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, कारक कारक चीज मैंने आपको लिख रही थी ना, कारक यानी जिनकी वजह से मृदा का निर्माण हो रहा है। तो बच्चों मृदा के निर्माण में मैंने क्या लिखवाया था नीचे, कि जो मूल पदार्थ है कि नहीं, कौन सी अवस्था में, सेकंड अवस्था में। आपको मैंने एक पॉइंट लिखाया था कि मूल पदार्थ पर सक्रिय, कौन कौन से सक्रिय व निष्क्रिय, सक्रिय और निष्क्रिय कारक, है ना, सक्रिय और निष्क्रिय कारक लगातार कार्य करते हैं, लगातार अपना रोल प्ले करते हैं, जिससे जाकर के बाद में मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा के निर्माण में कौन कौन से कारक इंपोर्टेंट हुए, सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारक। तो मृदा के निर्माण में दो कारक हो रहे हैं रेस्पॉन्सिबल, सक्रिय और निष्क्रिय। तो ये दो कारक ही मृदा निर्माण को प्रभावित करेंगे, मृदा निर्माण को अफेक्ट करेंगे। जैसे अगर सक्रिय और निष्क्रिय कारक लगातार कार्य कर रहे हैं, रेगुलर कंटिन्यू बिना रुके हुए कार्य कर रहे हैं,
तो मृदा का निर्माण 4 से 5 हजार वर्षों में आसानी से हो जाएगा। लेकिन सक्रिय और निष्क्रिय कारक में से एक भी कारक अगर इंबैलेंस हो जाता है, एक भी कारक अपनी जो क्रियाविधि उसको डिस्टर्ब कर देता है, तो मृदा के निर्माण होने में 10 हजार वर्ष का भी समय लग सकता है, 10 हजार से भी अधिक वर्षों का समय लग सकता है। तो बच्चों हम यह पढ़ेंगे कि मृदा निर्माण को प्रभावित कौन से कारक कर रहे हैं, दो कारक कौन कौन से, सक्रिय और निष्क्रिय, क्योंकि इन दोनों कारकों की वजह से ही मृदा का निर्माण हो रहा है, इन दोनों कारकों की वजह से ही मृदा बन रही है, तो जिनकी वजह से बन रही है वो ही यहाँ पे प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से कारक हुए, पहला कारक कौन सा है, सक्रिय कारक, पहला कौन सा है बच्चों, सक्रिय कारक, दूसरा कौन सा है, निष्क्रिय कारक, दूसरा कौन सा है, निष्क्रिय कारक, और इसमें एक तीसरा कारक और है प्रभावित करने में। देखो बनती तो मृदा दो कारकों से ही है, कहते हैं कि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई तो केवल किताबों से करते हैं, एक किताब से करते हैं, लेकिन जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उस किताब के अलावा 10 किताबों से और पूछ लेते हैं, होता है ना ऐसा कि हमको पढ़ाते हैं जब तो एक किताब से पढ़ाते हैं, लेकिन जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहां 10 किताबों से प्रश्न पूछ लेते हैं। सेम सिचुएशन यही है कि यहाँ पे जो हम बिल्डअप कर रहे हैं, हम मृदा का निर्माण कर रहे हैं, तो निर्माण के लिए केवल दो ही कारक हैं, सक्रिय और निष्क्रिय, लेकिन जब उस निर्माण को हम प्रभावित कर रहे हैं, उसमें व्यवधान पैदा कर रहे हैं निर्माण में, तो प्रभावित करने वाले कारकों में एक कारक और जुड़ जाएगा, वो कौन सा, उदासीन कारक, कौन सा बच्चों, उदासीन कारक, उदासीन कारक, एक कारक और जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो सक्रिय कारक, निष्क्रिय कारक और तीसरा उदासीन कारक। अब ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं इनको देखिए, जैसे कि नाम से पता चल रहा है सक्रिय, आप बताइए सक्रिय कारक में क्या हो सकता है, सक्रिय स धन क्रिय, ठीक है, स यानी साथ, क्रिय यानी क्रिया, ठीक है, यानी साथ, क्रिया यानी क्रिया, ठीक, साथ क्रिया, साथ को बोलते हैं कंटिन्यू, हालांकि साथ को टुगेदर बोलते हैं, लेकिन साथ मतलब जो कि कंटिन्यू है, कंटिन्यू, और क्रिया को एक्टिविटी, क्रिया को एक्टिविटी, मतलब समझिए इसको, सक्रिय कारक वे कारक जो कि एक्टिव है, जो कि एक्टिव है अर्थात चेंज होते रहते हैं, उनमें क्रिया होती रहती है, लगातार चल रही है, तो वो सक्रिय है, वो क्रियाशील है, वो क्या है, क्रियाशील है, सक्रिय यानी क्रियाशील, ये भी कह सकते हो आप, कंटिन्यू क्रिया करने वाले हैं, इससे क्या बनेगा, क्रियाशील, क्रियाशील मतलब कंटिन्यू क्रिया कर रहे हैं, कंटिन्यू एक्टिव है, तो ऐसे कारक कौन से कहलाएंगे, सक्रिय कारक कहलाएंगे। निष्क्रिय कारक जो कि क्रिया नहीं कर रहे, मतलब क्रिया करने वाले वो नहीं है, उसको निष्क्रिय बोलेंगे। उदासीन जिनका सक्रिय और निष्क्रिय से कोई संबंध नहीं है, जिनका सक्रिय और निष्क्रिय से कोई संबंध नहीं है, जैसे हमने देखा है कि बैलेंस दो ही होते हैं, एक तो होता है प्लस का चिन्ह, एक होता है माइनस का चिन्ह, होता है ना, एक तरफ ऋणावेश, एक तरफ धनावेश, एक तरफ ऋणावेश, ये होता है ना, इसको बोलते हैं धनावेश, इसको बोलते हैं ऋणावेश, ये बोलते हैं, लेकिन इसके बीच में एक आवेश और होता है जिसको बोलते हैं उदासीन, बोलते हैं ना, इसके बीच में एक आवेश और होता है जिसको बोलते हैं उदासीन। तो बच्चों उदासीन है मतलब ये अलग ही है, जिसमें ना तो ऋणावेश का रोल है ना धनावेश का रोल है, ना धनावेश का ना ऋणावेश, तो बीच की जो अवस्था हो क्या कहलाएगी, उदासीन। सेम सिचुएशन वो भी यहीं पे है, सक्रिय और निष्क्रिय की जो बीच की अवस्था हो क्या कहलाएगी, उदासीन कहलाएगी। तो सक्रिय कारक का मतलब
जो कारक क्रियाशील है, जो कारक कंटिन्यू कार्य कर रहे हैं। अब कंटिन्यू कार्य करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो कंटिन्यू जो कार्य कर रहे हैं, लगातार जो कार्य कर रहे हैं, उनमें आप लिख सकते हैं, देखो सामान्यतः दो कारक इसमें पढ़ेंगे हम, एक तो है जलवायु, दूसरा जैवमंडल। सीधी सी बात, दो ही चीजें हैं सक्रिय में हमारी पृथ्वी में, दो ही चीजें हैं, एक तो जलवायु अर्थात जल प्लस वायु से मिलकर सारे फैक्टर जैसे वर्षा तापमान, ठीक है, ऐसा जलवायु में आएंगे, और जैवमंडल, जैवमंडल में मतलब प्राणी, प्राणी जगत, वो जैवमंडल में आएगा। दो चीज क्रियाशील है, सक्रिय में दो चीज आएंगी, ठीक है, जो कि क्रियाशील है। सबसे पहली आएगी आपके, क्या आएगा, जीवमंडल, पहले क्या आएगा आपका जीवमंडल, ठीक है। नंबर दो, जीवमंडल में सभी जैविक क्रियाएं, और दूसरा आएगा जैवमंडल के साथ जैविक या जलवायु या जलवायु, ठीक। पहला हो गया जैवमंडल, दूसरा हो गया जलवायु। ये बच्चों दोनों कारक एक्टिव कारक हैं, इन दोनों में लगातार क्रिया होती रहती है, दोनों में लगातार बदलाव होते रहते हैं। अब वो कैसे होते हैं देखिए, पहले हम बात करेंगे जीवमंडल की। जीवमंडल, जीवमंडल यानी समस्त जीव जिस मंडल में पाए जाते हैं, मतलब जैव जीवों का वह स्थान जहां पे जीव पाए जाते हैं, या जैविक गतिविधियां जहां पे पाई जाती हैं, उसको जैवमंडल बोलते हैं। अर्थात जीवित गतिविधियां का एक समूह, जीवित गतिविधियों की एक जगह है, क्या कहलाएगी संक्षिप्त में, जैवमंडल कहलाएगी, जहां पे सभी जैविक क्रियाएं होती हैं, सभी जैविक क्रियाएं होती हैं, जिसमें सभी प्राणी जगत विद्यमान होते हैं, ठीक है। तो जैवमंडल में समस्त जीवित प्राणी किसे सम्मिलित किया गया है, समस्त जीवित, समस्त जीवित प्राणी किसमें आएंगे, जैवमंडल में आएंगे। और जलवायु, जलवायु में आपको पता है सबसे पहला जो रोल आता है वो आता है वर्षा का, ठीक है ना, और दूसरा आता है तापमान का, किसका आता है बच्चों, तापमान का, ठीक है। तो ये दोनों क्रियाशील कारक है, वर्षा भी बदलती रहती है, कभी तेज कभी कम कभी बिल्कुल नहीं आती, तापमान में भी आप फ्लक्चुएशन देखते हैं, सुबह सुबह तापमान कम रहता है, दोपहर को सुबह सुबह तापमान रहता है 20, दोपहर को 40, शाम को फिर 20। तो ये दोनों चीजें क्रियाशील है, दोनों क्या है, एक्टिव कारक है, एक्टिव फैक्टर्स है। तापमान के अंदर एक चीज ये है कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बनने पर जो रासायनिक क्रिया होती है वो क्या हो जाती है, अगर 10 डिग्री तापमान बढ़ेगा तो केमिकल रिएक्शन डबल हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, डबल हो जाएगी। तापमान के ऊपर एक तथ्य है कि प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ताप बढ़ने पर, बढ़ने पर क्रियाशीलता, क्रियाशीलता में क्या बदलाव होता है, क्रियाशीलता डबल हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। यह भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि तापमान बढ़ने से क्या होगा, क्रियाशीलता कितनी बढ़ेगी, 10 डिग्री तापमान बढ़ने पर क्रियाशीलता डबल हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो यहां पे समझ में आ गया आपके, जैवमंडल देखो सक्रिय कारक, सक्रिय कारक मतलब वे सभी कारक, सह प्लस क्रिय, सह यानी साथ, क्रिय यानी क्रिया करने वाला, मतलब जो साथ क्रिया करता है या फिर क्रियाशील होता है। तो क्रियाशील दो चीजें होती है, क्रियाशील है इस पृथ्वी पे, एक तो जीवमंडल, दूसरा जलवायु, इसके अलावा कोई क्रियाशील नहीं है। एक तो जीवमंडल है मतलब समस्त जीवित प्राणी, जिसमें मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, पशु, आवारा पशु, कोई सी चीजें हो जो लिविंग है, जिनमें ग्रोथ होती है, जो वृद्धि करते हैं, ठीक है, वो सब जैवमंडल में आते हैं। तो जीवित जो प्राणी है वो सब सक्रिय में आएंगे। दूसरा जलवायु, जलवायु के अंदर वर्षा और तापमान, ये दोनों में फ्लक्चुएशन होता है, दोनों में उतार चढ़ाव होता है, दोनों बदलते रहते हैं, इसलिए ये भी जलवायु का दो पोर्शन, ये भी किसमें आएंगे, सक्रिय तत्वों में आएंगे, है ना, सक्रिय कारक में आएंगे। तापमान के ऊपर थोड़ा सा पॉइंट देखने को मिला है कि 10 डिग्री अगर तापमान बढ़ता है
10 डिग्री अगर तापमान बढ़ता है तो जो क्रियाशीलता होती है, ठीक है, जो केमिकल एक्टिविटी होती है, रासायनिक क्रिया होती है, ये क्रियाशीलता होती है, उसमें क्या बदलाव आता है? क्रियाशीलता में जो क्रियाशीलता होती है या रासायनिक क्रियाशीलता होती है वो दुगनी हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? दुगनी हो जाती है, डबल हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया सक्रिय कारकों के बारे में चर्चा। अब हम पढ़ेंगे निष्क्रिय कारक। कौन से निष्क्रिय कारक? तो निष्क्रिय कारक वे कारक जो बिल्कुल उदासीन, मतलब इनएक्टिव है, जिनमें एक्टिविटी है ही नहीं। तो इसको उतार लीजिए ऐसे कैसे आप, ये काम की चीज आपके, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे निष्क्रिय। निष्क्रिय कारक जो कि मृदा निर्माण का एक कारक है लेकिन निष्क्रिय है, इनएक्टिव है। सबसे पहले मूल पदार्थ, पहला कौन सा आएगा? मूल पदार्थ। मूल पदार्थ बच्चों इनएक्टिव है, अक्रियाशील है, यह किसी प्रकार की गति, किसी भी प्रकार की वृद्धि, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करता। तो इसमें जो निष्क्रिय कारक है, इसमें हम मेन जो चीज है वो यही है कि मूल पदार्थ जो रखा जाता है वो मूल पदार्थ निष्क्रिय कारक में रखा जाता है, वो कारक निष्क्रिय कहलाता है। ठीक है, अब आइए आप उदासीन कारक भी। निष्क्रिय कारक यही है, मूल पदार्थ में आपके जो पैतृक पदार्थ थे, जिसमें आपको बताया था कि चट्टाने और खनिजों के पारस्परिक क्रिया करने से, लगातार अपक्षय होने से किसका निर्माण होता है? मूल पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये जो मूल पदार्थ है बच्चों निष्क्रिय है, ये मूल पदार्थ निष्क्रिय है, तो ये भी बनता रहता है। और इस मूल पदार्थ पे जो सक्रिय तत्व है, जैसे आपको बताया था मैंने जलवायु और जीव मंडल, वो भी क्रिया करते रहते हैं, तो उससे मृदा का निर्माण होता रहता है, मृदा का निर्माण लगातार होता रहता है। तो अब हमने सक्रिय पढ़ लिया, निष्क्रिय पढ़ लिया, लास्ट पढ़ेंगे हम उदासीन। उदासीन में जो आता है वो आता है समय अवधि, अर्थात उदासीन कारक कौन सा है? समय अवधि। समय अवधि, ठीक है, इसको हम उदासीन कारक कह सकते हैं, इसको हम उदासीन कारक कहेंगे। उदासीन कारक मतलब, अब बताइए समय निष्क्रिय है या सक्रिय है? समय अवधि को पता ही नहीं है कितना समय लग सकता है, किसी ये किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं है, ये केवल समय अवधि है, समय वादक काल अवधि है जो कि लगातार बढ़ती रहती है, जिसका कोई पता नहीं है। तो काल अवधि ये तो है कि नहीं कि निर्माण का समय फिक्स हो, देखो निर्माण का समय फिक्स हो ऐसा कुछ भी नहीं है, निर्माण में कितना भी समय लग सकता है, मृदा के निर्माण में कितना भी समय लग सकता है, कितना भी टाइम लग सकता है, इसलिए उदासीन कारक रहेगा ये, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। उदासीन कारक मतलब जिसका मृदा निर्माण में कोई रोल नहीं हो, जिसमें उदासीन कारक में रखा है हमने समय अवधि को, टाइम को हमने रखा है कि टाइम जो पीरियड है वो ना तो एक्टिव है ना इनएक्टिव है, वो इन तीन दोनों चीजों में है ही नहीं। अगर एक्टिव में होता, कई कहते हैं सब समय तो चलता है, समय तो आगे बढ़ता है तो सक्रिय क्यों नहीं हुआ? तो बच्चों समय आगे बढ़ता है, मान लीजिए 12 के बाद क्या बचते हैं? एक बचता है, एक बचता है ना, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से वापस से 12 बचते हैं, फिर 12 अगर आप रेलवे गाड़ी में जाएंगे तो रेलवे में 12 के बाद 13 भी बचते हैं, 14 भी बचते हैं और लास्ट में 24 बचते हैं। लास्ट में 24 बचते ही नहीं, बचते बचते हैं। अगर सक्रिय कारक होता तो 24 के बाद 25 बचते, 26 बचते, 27 बचते, 28 बचते, 29 बचते, और अब तक तो अरबों खरबों में हम संख्या गिन नहीं सकते, उतनी संख्या में समय अवधि हो जाती है। लेकिन हमें फिक्स किया गया है कि इतने ही घंटों को काउंट किया जाएगा, इतनों को ही एक दिन माना जाएगा, तो दिन और रात के कॉम्बिनेशन को समय अवधि के अनुसार कन्वर्ट किया गया है। तो इसमें ये जो कारक है बच्चों उदासीन कारक है, अगर मान लीजिए मूल पदार्थ पड़ा है, मूल पदार्थ एकदम पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, तो उसमें 10 वर्ष भी लग सकते हैं, 1000 वर्ष भी लग सकते हैं, 50,000 भी लग सकते हैं, जब तक उस पे सक्रिय और निष्क्रिय कारक अपना कार्य नहीं करेंगे, जब तक वो पदार्थ मृदा में परिवर्तित नहीं होगा। तो जो समय है ये सक्रिय कारक नहीं है, सक्रिय कारक आपको बता चुका मैं जलवायु और जैव विधि, जैव जो मंडल है ये सक्रिय है, और निष्क्रिय में मूल पदार्थ
जो कि जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है। मान लीजिए पत्थर को हमने तोड़ दिया, तो आज ही पत्थर का टुकड़ा वैसा का वैसा है और हम 1000 वर्ष बाद देखेंगे तो भी वो वैसा का वैसा ही दिखेगा। तो वो निष्क्रिय है, इनएक्टिव है, लेकिन एक्टिव जिसमें बदलाव होता है, जिसमें चेंजेस होता है, उसमें वृद्धि होती हो, तो वो चीज एक्टिव है। यहाँ पे समय में कोई वृद्धि नहीं है, समय तो फिक्स चल रहा है, समय में कोई चेंजेस नहीं है। 8 अब बजे 8 वापस बजेंगे, ठीक है ना, 24 बजे 24 बाद ऊपर बजेगा नहीं। तो इसलिए समय को किसमें रखा है, उदासी में रखा है। तो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले 3 कारक है, सक्रिय, निष्क्रिय और उदासीन, इनके बारे में आपको लिखवा दिया। और अब हम अगला पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे मृदा का संगठन और उसका महत्व। पहले हमने एक टॉपिक था पैडोलॉजी में मृदा निर्माण, उसके बाद दूसरा था मृदा का संगठन। तो मृदा निर्माण का पढ़ लिया हमने, मृदा निर्माण कहते किसे हैं, है ना, मृदा निर्माण किसे कहेंगे, चट्टानों और खनिजों के अपक्षय से जो प्राप्त होता है उसे हम मृदा कहेंगे, ठीक है ना। मृदा निर्माण किन किस कारकों से होता है, दो अवस्थाओं में होता है। पहली अवस्था जिसमें चट्टानों और खनिजों का अपक्षय होता है और मूल पदार्थ बनता है, ठीक है ना, जिसमें चट्टानों और खनिजों का अपक्षय होता है मूल पदार्थ बनता है। दूसरी बात, दूसरी अवस्था जिसमें चट्टानों के जो मूल पदार्थ बना है उसमें सक्रिय और निष्क्रिय कारक क्रिया करते हैं, सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारक बच्चों क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। चलिए तो अब हम पढ़ेंगे हमारा दूसरा जो है मृदा संगठन, ठीक है ना। हमने बताया था आपको कि पैडोलॉजी में मृदा निर्माण, मृदा संगठन और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वितरण जो है या जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, भौगोलिक वितरण। तो इसको उतार लीजिए आप, ऐसे कैसे कौन कौन से कारक है, आप पढ़ेंगे मृदा का संगठन। देखिए अंग्रेजी बोलते हैं सॉइल कंपोजिशन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, सॉइल कंपोजिशन, कि सोयल का कंपोजिशन क्या है, मृदा का संगठन क्या है। तो बच्चों जैसा आपको बताया जा चुका है पहले ही पुरानी क्लासों में और अभी मैंने बताया था कि जो मृदा है इसमें सक्रिय और निष्क्रिय कारक रोल प्ले करते हैं, दोनों कारक विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग सक्रिय और निष्क्रिय कारकों को भी यहां देखेंगे। तो मृदा जो है, इस मृदा का जो संगठन है, मृदा का संगठन आप एक गोले से समझो बच्चों, एक गोले से मैं समझाऊं मृदा के संगठन को। मृदा का संगठन देखिए, ठीक, ये गोला है, है ना, ये क्या है थोड़ा सा, ठीक, ये क्या है, गोला। अब देखिए इस गोले को पहले हम दो भागों में बांटते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये 25% ये हो गया, 25% ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और देखिए अब 45% ये हो गया और 5% ये हो गया, कितना हो बताओ पूरा, 25 और 25 50, 50 और 45 95, 95 और 5 100, मतलब पूरा 100% क्षेत्रफल हो गया। चलिए 25% इसमें क्या है, पानी, 25% क्या है, हवा, 45% क्या है इसमें, मिनरल्स, जो 45% है वो क्या है इसमें, खनिज पदार्थ या मिनरल्स, 45% इसमें है खनिज पदार्थ या मिनरल्स। खनिज पदार्थ या मिनरल्स, ठीक है। और 5% जो है इसमें आएगी आपकी अन्य गैसें, अन्य जो गैसों वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जिसको जीवाश्म बोलते हैं, जीवाश्म पदार्थ या गैसें, अन्य गैसें भी कह सकते हैं इसको, अन्य गैसें या जीवाश्म, अन्य गैसें या जीवाश्म, ठीक है, अन्य गैसें भी कह सकते हैं इसको या जीवाश्मी कह सकते हैं।
देखो मिट्टी का संगठन, मिट्टी में कौन कौन सी चीज पाई जाती है बच्चों? मिट्टी में चार चीजें पाई जाती हैं, 25% पानी, 25% हवा, 45% खनिज पदार्थ और 5% अन्य चीजें, अन्य जीवाश्म पदार्थ या गैसें। एक ही बात है, प्रश्न पूछा जाता है मृदा संगठन में पानी का अनुपात होता है 25%, मृदा संगठन में हवा का अनुपात होता है 25%, मृदा संगठन में खनिज पदार्थों का अनुपात होता है 45%, और मृदा संगठन में अन्य पदार्थों का अनुपात होता है या जीवाश्म पदार्थों का अनुपात होता है मात्र 5%। ठीक, इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, मृदा संगठन इसमें चार तत्व पाए जाते हैं, पहला है जल, दूसरा है वायु, तीसरा है खनिज पदार्थ। तीसरा कौन सा बच्चों? खनिज पदार्थ। और चौथा है जीवाश्म। जीवाश्म या अन्य गैसें। अन्य गैसें या अन्य पदार्थ। बच्चों बात एक ही है। ठीक, जल की मात्रा कितनी होती है बच्चों? जल होता है 25%, वायु होती है 25%, खनिज होता है 45% और अन्य पदार्थ होता है मात्र 5%। ठीक है ना, ये चीजें इसमें होती हैं, इस प्रकार का इसका संगठन पाया जाता है। तो चलिए इनको हम आपको ढंग से समझाते हैं खोल खोल के। ये समझ में आ गया आपके मृदा संगठन की, सॉरी सोइल संगठन है, मृदा संगठन एक ही बात है, सोइल कंपोजिशन की, सोइल किन किन चीजें समावित होती हैं या मृदा में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, मृदा का निर्माण किन किन चीजों से मिलकर हुआ है। तो मृदा में पानी, हवा, खनिज और अन्य जीवाश्म चीजें। तो पानी 25%, हवा 25, खनिज 45 और 5% जीवाश्म। अब इनको मैं आपको और तरीके से समझाऊंगा, जिसके लिए मुझे पूरा मिटाना पड़ेगा बच्चों। इसको आप उतार लेना ऐसे कैसे, ठीक है। अब इसको मैं और अलग तरीके से समझाऊंगा, एक एक को खोल के ढंग से, जल को अलग, वायु को अलग, खनिज को अलग, जीवाश्म को अलग। तो मुझे इसको इसके लिए मिटाना पड़ेगा पूरे को। तो आप इसको उतार लेना बच्चों आराम से ऐसे कैसे, स्क्रीन को रोक के आप उतार लेना इसको। चलिए आगे चलते हैं। अब हम इसको मिटा करके आप अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट जो बच्चा लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है आसानी से, ठीक है। चलिए हमारा है सॉइल का कंपोजिशन, मृदा का संगठन। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जल के बारे में। ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा करते हैं, इसको ज्यादा बड़ा हो गया नीचे से ये। अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया। चलिए मृदा का संगठन, सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर एक कि पहले क्या पाया जाता है, जल। कितना परसेंट? 25%। 25% क्या होता है बच्चों? जल। जल के अंदर हम पढ़ेंगे कि जल क्या है और किस प्रकार से ये मृदा का संगठन का रूप है। तो बच्चों पौधों में 90% से अधिक पानी पाया जाता है। पौधों में 90% से अधिक क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। पौधों में 90% से अधिक क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। और पौधे अपना जीवन यापन किससे करते हैं? पानी से करते हैं, या फिर जीव या सजीव
जीव या सजीव अपना जीवन पानी की वजह से ही जी पाते हैं, ठीक है ना। जीव जो होते हैं, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे, ये सब लिविंग है, जीवित है। तो ये जीवित जो तत्व है, जीवित जो प्राणी है, वो पानी से ही जी पाते हैं। जैसे अगर हम मनुष्य हैं, अगर हमें पानी की अगर हमारे पास कमी हो जाए तो क्या हम जी पाएंगे? क्या उस कंडीशन में हम जी नहीं पाएंगे। तो पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। 90% से अधिक जो पौधे होते हैं, सॉरी 90% से अधिक जो पानी होता है वो पौधों में पाया जाता है, या हम यूं कह सकते हैं कि पौधों का 90% से अधिक भाग पानी का बना होता है। किसका बना होता है? पानी का बना होता है। 94% पानी पाया जाता है पौधों में। कितना? 94। और तरबूज में 98% तक तरबूज में पानी पाया जाता है। तो सारा खेल पानी का ही है। पौधों में जो भोजन होता है वो पानी के रूप में गति करता है। पौधों का जो भोजन है वो पौधे मिट्टी से जो भोजन लेते हैं किस रूप में लेते हैं? पानी के साथ लेते हैं, पानी के रूप में लेते हैं। इसलिए जल का यूज बहुत ज्यादा है। और मनुष्य लोग पानी को पीते हैं एनर्जी के रूप में, एनर्जी वाटर के रूप में। इसलिए पानी सजीवों के लिए बहुत अच्छी चीज है, बहुत जरूरी चीज है। तो 25% पानी हो गया, ठीक है। इसको उतार लीजिए आप ऐसे कैसे, ठीक है। दूसरा हमारा है वायु, उतार लीजिए इसको ऐसे कैसे, ठीक। दूसरा हमारा है वायु। तो बच्चों वायु की मात्रा कितनी होती है? 25%। अब देखो मृदा के अंदर कितनी वायु होती है? 25%, ठीक। अब इस 25% का जो हम संगठन बनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, 25% की जो मृदा है उसका हम संगठन बनाएंगे, तो संगठन में आप देखिए कि 78%, जैसे ये इसका हो गया 50%, ये इसका हो गया 75%, और ये इसका हो गया 78, है ना। तो कितना? 78%, 78% इसमें पाई जाती है नाइट्रोजन। क्या पाए जाते हैं बच्चों? नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन। और 21% कितना? 21% क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन। कितना पाया जाता है ऑक्सीजन? 20% इसमें क्या पाया जाता है? 20% इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, है ना। और इसी के साथ साथ कितना हो गया ये? लगभग 78। और इसको आप साथ साथ जोड़ते रहिए बच्चों, अभी अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, हो गया लगभग 99, 1% बच रहा है ना। तो इसमें यहां ले लेते हैं 1%, ये ठीक है ना, ये हमने 1% ले लिया। इस 1% में, इस 1% में 0.03 क्या पाया जाता है? CO2 पाया जाता है। 0.03% क्या पाया जाता है बच्चों? ये ऑक्सीजन है, ठीक है, CO2 पाया जाता है। तो ये मैंने आपको रेशो समझा दिया है, इसमें O2 आएगा 21%, और यहां पे 0.03 CO2 आएगा। तो वायु के अंदर 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो ये हमारे वायु का संगठन हो गया। ये तो मैंने समझाया आपको गोले के हिसाब से, अब मैं इसको लिख के समझाता हूं। तो देखिए N2 की मात्रा कितनी है? 78%। O2 की मात्रा कितनी है? 21%। और CO2 की मात्रा कितनी है बच्चों? 0.03%, ठीक है ना। प्रश्न में कोई सा भी पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78%। ऑक्सीजन की
21% और कार्बन डाइऑक्साइड की 0.3%। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 0.3 में कभी कभी क्या करते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं 0.003, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है 0.003, वहां बच्चा कंफ्यूज रहता है। तो आपको कंठस्थ याद करना है कि 0.03% क्या पाया जाएगा, CO2 पाया जाएगा, है ना। तो यहां से प्रश्न काफी बनते हैं, तो इन चीजों को आप संभाल के याद करते हुए चले साथ के साथ। तो जल हो गया, वायु हो गया, ठीक है, कम आप इसको उतार लें ऐसे ऐसे डायग्राम बना के। ये किसका है बच्चों, वायु का डायग्राम, किसका है, वायु का, ये वायु का डायग्राम है, ठीक है। अब हम बनाएंगे वायु का अनुपात, वायु का क्या बच्चों, अनुपात, कि वायु में किस किस अनुपात में कौन कौन सी गैस पाई जाती है, इसको उतार लीजिए आप फटाफट जल्दी से। फिर हम अगला बनाएंगे दूसरा पॉइंट, जो तीसरा बच रहा है हमारा, जल वायु खनिज। चलिए उतार लिया होगा, अब आता है खनिज नंबर 3 पे, खनिज पदार्थ, ठीक है। तो बच्चों खनिज पदार्थ जो है ये एक अकार्बनिक पदार्थ है, क्या है बच्चों, खनिज पदार्थ एक अकार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक अवयव है, जो कि चट्टानों के अपक्ष से प्राप्त होता है। खनिज, खनिज यानी जो खान में पाया जाता हो, जैसे खनिज देखो, खनिज कहां से प्राप्त होता है, खानों से, खानों से या चट्टानों से, बात एक ही है। तो खनिज खानों से या चट्टानों से, ठीक है। तो खनिज क्या है, एक अकार्बनिक पदार्थ है, क्या है बच्चों, खनिज, पहली बात तो क्या आएगी कि ये एक अकार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। दूसरा ये है कि ये चट्टानों के अपक्ष से प्राप्त होता है, दूसरा जो खनिज पदार्थ है ये चट्टानों के अपक्ष से प्राप्त होता है, इसको सबसे उदाहरण जैसे कैसे आप, कि ये एक अकार्बनिक पदार्थ है, चट्टानों के अपक्ष से प्राप्त होता है। इसमें 90% जो है, 90% जो अपना खनिज पदार्थ है वो ठोस होता है, क्या होता है, ठोस होता है, 90% खनिज पदार्थ ठोस होता है, 90% खनिज पदार्थ क्या होता है बच्चों, ठोस होता है, 90% खनिज पदार्थ क्या होता है, ठोस होता है। तो खनिज पदार्थ में यही आएगा कि ये एक पहली बात तो खनिज पदार्थ एक अकार्बनिक पदार्थ है, मतलब जो जलता नहीं है, ठीक है, खनिज पदार्थ अकार्बनिक हो गया। दूसरी बात, ये चट्टानों के अपक्ष से प्राप्त होता है, चट्टानों के अपक्ष से क्या मिलेगा, हमें खनिज पदार्थ मिलेगा, और इसमें 90% से अधिक जो खनिज पदार्थ होता है वो ठोस होता है, 90% से अबव जो खनिज मटेरियल होता है वो ठोस होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए ऐसे कैसे, इसको खनिज यानी जो खानों से मिलता है, चट्टानों से मिलता है, ठीक है ना, ऐसे कैसे उतार लीजिए। अब हम लास्ट में जिसका अंतिम जो पॉइंट बच रहा है वो बच रहा है जीवाश्म पदार्थ, क्या बच रहा है, जीवाश्म पदार्थ, जो कि 5% में आता है। खनिज पदार्थ कितना पाया जाता है, 45%, लिख दूंगा भी यहां, उतार लीजिए उसको ऐसे कैसे, है ना।
खनिज पदार्थ कितना हो गया बच्चों? खनिज पदार्थ 45%। ठीक, अब आता है लास्ट में जीवाश्म पदार्थ। जीवाश्म पदार्थ ये कितना पाया जाता है? 5%। कितना पाया जाता है बच्चों जीवाश्म पदार्थ? 5%। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। लास्ट है ये जीवाश्म अपने मृदा संगठन का, पहला जल, दूसरा वायु, तीसरा खनिज और चौथा जीवाश्म। तो बच्चों जीवाश्म पदार्थ जो है ये मृदा की ऊपरी सतह में भी पाया जाता है, मृदा की निचली सतह में भी पाया जाता है। जीवाश्म पदार्थ जो कि मृदा की ऊपरी सतह में भी पाया जाता है और मृदा की निचली सतह पर भी पाया जाता है, है ना? मृदा की ऊपरी सतह पर भी पाया जाता है और मृदा की निचली सतह पर पाया जाता है। ऊपर की सतह पर कार्बन की मात्रा पाई जाती है 3-5% और निचली सतह पर कार्बन की मात्रा पाई जाती है 5-10%। आ गया समझ में? जैसे मान लीजिए सॉइल की सतह है, ये क्या है? मृदा सतह है, ये मृदा सतह है, ठीक है, ये हमारी सॉइल की लेयर है। इसका जो ये वाला पोर्शन है ये तो कौन सा हुआ? ऊपर हुआ कि नहीं हुआ? ऊपर। और ये वाले से कौन सा हुआ बच्चों? ये वाला उसका हुआ नीचे, हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हो गया ना, ये तो ऊपर ये नीचे, अर्थात ये जो अब इसको देखो, मैं आपको पौधा बना के समझा रहा हूं, कुछ लोग कंफ्यूज भी हो रहे हो, तो ये पौधे की जड़ है, ठीक है, ये हमारा पौधा है, ठीक है, तो ऊपर वाला हिस्सा तो ये है और नीचे वाला हिस्सा ये है। तो ऊपर वाले हिस्से में कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है? जो ये ऊपर की लेयर है, ऊपर की परत पे, किस पे? ऊपर की सतह पर या ऊपर की परत पर कितनी पाई जाती है? इस लेयर पर 3-5% ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। लेकिन नीचे की जो सतह है, ये नीचे वाली सतह है, इस नीचे वाली सतह पे 5-10% ऑर्गेनिक मैटर पाया जाएगा, कार्बनिक पदार्थ पाया जाएगा, जीवाश्म पदार्थ पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? ऑर्गेनिक मैटर कह सकते हो, कार्बनिक पदार्थ कह सकते हो या जीवाश्म कह सकते हो, बात एक ही है। 3-5% जीवाश्म लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, या 5-10% जीवाश्म लिख दो, बात एक ही है, ठीक है ना? तो आगे समझ में, ये 3-5% और ये 5-10%। तो ऊपर की सतह पर 3-5% जीवाश्म पाया जाता है और निचली सतह पर 5-10% जीवाश्म या ऑर्गेनिक मैटर, ओ यानी ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एम यानी मैटर या कार्बनिक पदार्थ। ऑर्गेनिक मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक होता है ना, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको क्या बोलेंगे? उसको हम कार्बनिक केमिस्ट्री बोलते हैं ना, ऑर्गेनिक मैटर, मैटर यानी पदार्थ, ठीक है। तो शॉर्ट में इस ऑर्गेनिक मैटर को मैं ओएम लिख सकता हूं ना, लिख सकते हैं ना ओएम, ऑर्गेनिक मैटर को, इसलिए मैंने लिखा है यहां ओएम कि 5-7% ऑर्गेनिक मैटर या 3-5% या 5-10% ऑर्गेनिक मैटर। जीवाश्म एक ही बात है बच्चों, जीवाश्म जीव का जो अंश बचा है जिसको हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं उसी की यहां मात्रा बताई गई है कि ऊपर की सतह में 3-5% पाई जाती है और नीचे की सतह में 5-10% पाई जाती है, जो कि मृदा संगठन में 5% के अंतर्गत आती है। इसमें आती है कि मृदा में जो मृदा का संगठन उसमें 5% ही जीवाश्म पदार्थ पाया जाता है, 5% ही, उस 5% में से
मान लीजिए 5% को हमने 100% माना कि ये 5% 100% है, तो ये 100% में से 3 से 5% तो मिट्टी के ऊपर पाया जाएगा और 5 से 10% मिट्टी के नीचे पाया जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए किसी मृदा में, अगर जिस मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% से अधिक हो, देखिए समझिए, जिस मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी हो, 20% से अधिक हो, उस मृदा को क्या कहेंगे बच्चों? उस मृदा को कार्बनिक मृदा कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों उस मृदा को? कार्बनिक मृदा कहेंगे। आगे समझ में? अर्थात जिस मृदा में कार्बन की मात्रा 20% से अधिक पाई जाती है, उस मृदा को क्या कहते हैं? कार्बनिक मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कार्बनिक मृदा कहते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं। कहते हैं ना कि हम लोग कि हमारी सॉइल ऑर्गेनिक होनी चाहिए, कार्बन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया था कि फसल जो चक्र हम बनाते हैं उसमें, जो हम मिक्स क्रॉपिंग करते हैं उसमें, कि 3 वर्षों में 1 बार फसल चक्र हमने तैयार किया था, उसमें 3 वर्षों में 1 बार हमें 10 टन हमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा डाली जानी चाहिए या गोबर की खाद डालनी चाहिए। जो हमने फसल चक्र बनाया था, मिश्रित फसल सस्य बनाया था हमने, है ना, मिश्रित सस्य जिसको बोलते हैं, मिक्स क्रॉपिंग हमने तैयार किया था, तो मिक्स क्रॉपिंग हमने जो बनाया था उसमें, और जो क्रॉप का हमने फसल चक्र बनाया था क्रॉप रोटेशन का, उसमें हमने देखा था कि 2 साल तक तो हम फसल ले सकते हैं, लेकिन 1 साल हमको कार्बन की मात्रा ज्यादा चाहिए। और कार्बनिक पदार्थ होता है जो कि 3 वर्ष तक हमें पोषक तत्व प्रोवाइड करवाता है, 3 वर्षों तक पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है, तो इसलिए हमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ऐड करनी पड़ेगी। और जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% से अधिक पाई जाती है, कितनी? 20% से अधिक, more than 20% इज कैल्ड ऑर्गेनिक सॉइल। जिन मृदाओं में 20% से अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है, कार्बन पदार्थ की मात्रा पाई जाती है, उसे हम कार्बनिक मृदा कहेंगे, कार्बनिक सॉइल कहेंगे। तो ये जीवाश्म पदार्थ का मैटर था, इसको आप लिख लीजिए ऐसे जैसे, ये आपके काम की आने वाली चीजें हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये इसका महत्व है, ठीक है ना, मृदा संगठन उसका महत्व। मृदा संगठन तो मैंने बना ही दिया था कि जैसे ये मृदा संगठन हो गया 40-25% 25% 45% 5% और इनका महत्व, इट्स इंपॉर्टेंस। महत्व क्या है? तो 25% जल का मैंने महत्व बता दिया, 25% वायु का मैंने महत्व बता दिया, 45% का खनिज का हमने महत्व बता दिया, और जीवाश्म 5% का हमने महत्व पढ़ लिया। तो इसलिए मृदा का संगठन और इनका महत्व, मृदा का संगठन और इनका महत्व कंप्लीट हो चुका है। मृदा का संगठन व महत्व, इनका महत्व भी हमने पढ़ लिया कि इनका इंपॉर्टेंट क्या है, इनका वास्तव में क्या महत्व है। जो संगठन हमने दिया है, 25% जल हमने लिया, इसका महत्व क्या है? ये पौधों के लिए आवश्यक है, जीव जगत के लिए आवश्यक है, ठीक है। वायु जो लिखा है, वायु का महत्व क्या है? वायु सभी प्राणियों के लिए जरूरी है, वायु में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, और आपके 0.03% CO2 होती है, ठीक है। वहीं जीवाश्म ईंधन की हमने बात की या खनिज पदार्थ की बात की, तो खनिज पदार्थ में आपने, हमने आपको बताया कि खनिज पदार्थ एक अकार्बनिक तत्व है, एक अकार्बनिक पदार्थ है, जो कि खनिज पदार्थ का 90% भाग ठोस रहता है। कैसा रहता है? ठोस। कितना परसेंट? 90% भाग ठोस रहता है। फिर हमने पढ़ा जीवाश्म,
जीवाश्म आपको हमने बताया कि जीवाश्म का क्या महत्व है, तो जीवाश्म मैंने आपको बताया कि जीवाश्म मृदा की जो ऊपर की सतह रहती है, मृदा की जो ऊपरी सतह है इसमें जीवाश्म की मात्रा 3 से 5% पाई जाती है, वहीं मृदा की निचली सतह में जीवाश्म की मात्रा 5 से 10% पाई जाती है। और जिस मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% से अधिक हो, more than 20%, 20% से अधिक हो, तो उस मृदा को, उस सॉइल को कार्बनिक मृदा भी कहेंगे, कार्बनिक मृदा भी कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कार्बनिक मृदा किसे कहेंगे, कार्बनिक मृदा में कार्बन की मात्रा होती है 20%, 40%, 50%, तो 20% से अधिक, more than 20%, कभी कभी ऐसा जाता है 20% से अधिक, 20% से कम, इनमें से कोई नहीं, तो हमें क्या लिखना है 20% से अधिक। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो वहां आपका कंसेप्ट ये अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो सॉइल का कंपोजिशन का चैप्टर क्लोज, सॉइल का कंपोजिशन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा था खनिज पदार्थ, है ना, खनिज पदार्थ। चलो हम आगे लिख लेंगे, कोई बात नहीं, सॉइल का जो क्लासिफिकेशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मृदा का गठन और मृदा का कणाकार। ठीक है, सॉइल का गठन और मृदा का कणाकार, मृदा कैसे बनती है और मृदा का कणाकार क्या है। ठीक है, चलिए आप इसको उतारिए। हमने कंपोजिशन पढ़ लिया, ठीक है ना, डेफिनेशन हो गई, कंपोजिशन हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम इसके लिए। चलिए बच्चों, मृदा का गठन एवं मृदा कणाकार, इसको उतार लेना ऐसे कैसे, एक कंप्लीट हो गया टॉपिक। सो एक कंपोजिशन, अब आप लिखिए मृदा का गठन और मृदा का कणाकार। ठीक है, वैसे देखा जाए तो कणाकार ही टॉपिक है आपके, सॉइल पार्टिकल्स, कणाकारों क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स। तो सॉइल का कंपोजिशन पढ़ चुके हैं, अब इसका हम पार्टिकल्स पढ़ेंगे, मृदा का गठन एवं मृदा का कणाकार। ठीक है, देखिए बच्चों, कणाकार, कणाकार दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन से वर्ड से मिलकर बना है कणाकार, कणाकार को हम समझेंगे तो ये बना है कण धन आकार से मिलकर बना है, किसके से मिलकर बना है, कण व आकार से, कण, कण को बोलते हैं पार्टिकल्स, क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स। ठीक है, और आकार को साइज बोलते हैं ना, पार्टिकल और आकार को साइज। अब देखिए मृदा के कणों का आकार क्या है, अर्थात किस किस आकार के मृदा में कण पाए जाते हैं। देखो इस पॉइंट से समझ में आ रहा है कि मृदा का कणाकार, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, कण धन आकार, कण यानी पार्टिकल्स, कणों को क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स, और आकार को साइज। ठीक है, तो मृदा में किस आकार के कण पाए जाते हैं, मृदा में किस किस आकार के कण पाए जाते हैं, तो उसमें आपको समझने को मिलेगा कि सामान्यतः मृदा में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं,
प्रकार के कण पाए जाते हैं बच्चों? सामान्यतः मृदा में तीन प्रकार के कण पाए जाते हैं। पहला कौन सा है? पहला आपका है बालू, दूसरा है सिल्ट, तीसरा है क्ले। तीसरा कौन सा बच्चों? क्ले। बालू को मृतिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मृतिका। इसको मृतिका भी बोला जाता है। कई बुकों में मृतिका भी लिखा हुआ है, तो उसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं होना, ठीक है ना। मृतिका भी कह सकते हैं, मृतिका सॉरी क्ले को बोलते हैं, बालू को नहीं बोलते, ठीक है ना। मृतिका बहुत ही छोटा कण होता है। मृतिका मतलब मिनिमम पार्टिकल ऑफ सॉइल, ठीक है ना। तो क्ले सॉइल को मृतिका भी कह सकते हैं, ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही बारीक होता है, ठीक। तो सामान्यतः मृदा में तीन प्रकार के कण पाए जाते हैं। कौन कौन से? बालू, सिल्ट और क्ले। क्ले को क्या बोलते हैं? क्ले को मृतिका भी कहते हैं। अब देखिए आप, इन तीनों कणों का समूह, तीनों कणों का समूह क्या कहलाएगा? मृदा गठन कहलाएगा। आगे समझ में कि मृदा गठन क्या है? क्लियर। तीन कण बालू सिल्ट क्ले, बालू सिल्ट क्ले जो कण है, इनका समूह, इनका कंपोजिशन क्या कहलाएगा? मृदा का गठन कहलाएगा, मृदा का गठन कहलाएगा, ठीक है। तो आप उतार जाओ ऐसे कैसे जैसे मैंने लिखा है, वैसे वैसे आप इसको उतार जाओ साथ के साथ। अब हम पढ़ेंगे कि मृदा के जो कण हैं, इन कणों को अलग अलग रूप में कई साइंस लैब है जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे इंटरनेशनल ने किया है और यूएसए ने किया है। किस किस ने किया है? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस, और दूसरा है अमेरिकन, संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग प्रणाली। तो दो सोसाइटी है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यूएसए स्कूल, तो यूएसए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिस्टम, और तीसरा है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस सिस्टम। दो प्रकार से कणों, दो प्रकार के कणों को विभाजित किया गया है। तो इसको हम चार्ट बना करके समझेंगे। क्या बना करके समझेंगे बच्चों? इसको हम चार्ट बना करके समझेंगे कि किस प्रकार के कणों का क्या साइज रहता है, क्या आकार रहता है। चलिए ठीक है, लिखिए आप इसमें। मृदा के कणों का, मृदा के कणों का विभाजन, सामान्यतः विभाजन सामान्यतः दो प्रकार की प्रणाली द्वारा किया गया है, प्रणाली द्वारा किया गया है। किया गया है देखिए, मृदा के जो कण है इनको सामान्यतः दो प्रकार की प्रणालियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी प्रणाली है वो? सबसे पहली जो है वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूएसए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिस्टम, यूएसए कृषि विभाग प्रणाली, यूएसए कृषि विभाग। इंग्लिश में चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में ऐसे कर देता हूं, देखो आपके समझ में आएगा। दोनों लैंग्वेज में लिख देता हूं इसको सबके साथ में। पहला है यू एस ए
देखिए कैलकुल कर गया, पहला यूएसए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिस्टम, पहला तो ये हो गया। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग, संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग प्रणाली। आ गया समझ में? पहला लिखा है मैंने यूएसए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिस्टम, तो यूएसए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिस्टम यानी संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग प्रणाली। एक प्रकार का विभाजन तो इसने किया है, दो प्रकार की प्रणाली है। पहली प्रणाली यूएसए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिस्टम, ठीक है, या संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग प्रणाली। दूसरा जो है वो हमारा है इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस प्रणाली, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस। इंटरनेशनल सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ सोयल, सोयल साइंस सिस्टम, ठीक, अर्थात अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मृदा विज्ञान समिति प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय मृदा विज्ञान समिति, अंतरराष्ट्रीय मृदा विज्ञान समिति प्रणाली, ठीक है ना। कौन कौन सी हो गई? पहली आपकी आ गई यूएसए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिस्टम, देन सेकंड इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस सिस्टम। तो दो प्रणालियां हैं, इन दोनों ने मृदा के कण आकार को विभाजित किया है, मृदा के कणों को अलग अलग रूपों में विभक्त किया है, क्लासिफाई किया है। तो उन्हीं कणों को हम पढ़ेंगे, उन्हीं कणों के बारे में जानकारी लेंगे। इंटरनेशनल सोसाइटी सिस्टम ने अलग प्रकार से बांटा है और यूएसए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अलग प्रकार से बांटा है। तो चलिए इन दोनों के बारे में लिखना प्रारंभ करते हैं, इन दोनों के बारे में आपको इनका अंतर भी समझा देंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप एक सारणी बना लो, हमको सारणी के हिसाब से समझते चलना है, क्योंकि सारणी में पढ़ेंगे तो शायद आपका भी कंसेप्ट अच्छा क्लियर होगा और आपको कंफ्यूजन वाली कोई समस्या कहीं पैदा नहीं होगी। तो सारणी बेस्ट है मेरे हिसाब से। पहले हम लेते हैं यूएसए प्रणाली, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट आपको सारणी बना के समझाएंगे। पहले एक नंबर पे कौन सी आएगी? यू एस ए प्रणाली, है ना। इसको शॉर्ट लिखा हूं बच्चों, में आप इसका पूरा नाम लिख सकते हो, ये हिंदी में लिख, चलो हिंदी में लिख सकता हूं इसको मैं, हिंदी में यूएसए, यूएसए कृषि विभाग, है ना, यूएसए कृषि विभाग प्रणाली, कृषि विभाग प्रणाली, ठीक है। इसको कितने भागों में बांटा गया है? अब देखिए इसके अलग अलग कणों का नाम है और अलग अलग इसके भाग है। तो बच्चों यूएसए के आधार पर इसको सात भागों में बांटा गया है, यूएसए प्रणाली के आधार पर मृदा के जो कण हैं
इनको सात भागों में बांटा गया है। पहला है बहुत मोटी बालू, पहला कौन सा है बहुत मोटी बालू, लिख लीजिए आप नंबर एक पे। बहुत मोटी बालू नंबर दो, मोटी बालू पहले तो बहुत मोटी हो गई, उसके बाद थोड़ी कम मोटी, बहुत मोटी यानी बहुत ज्यादा मोटी, और मोटी यानी नॉर्मल मोटी, ठीक है। तो बहुत मोटी बालू, उसके बाद मोटी बालू, उसके बाद मध्यम बालू, उसके बाद मध्यम बालू नंबर तीन पे आएगा आपके। बहुत मध्यम बालू, ठीक है। उसके बाद महीन बालू, महीन बालू, उसके बाद बहुत अधिक महीन बालू नंबर चार पे जो आएगा वो आएगा बहुत ही अधिक, है ना। या सॉरी, पहले आ गया बहुत मोटी बालू, उसके बाद मोटी बालू, उसके बाद मध्यम, उसके बाद महीन बालू, ठीक है। उसके बाद जो आएगा वो आएगा आपके बहुत महीन बालू, क्या आएगा बच्चों, बहुत ही महीन बालू नंबर पांच पे आएगा। देखो कंफ्यूजन हो गया, तीन लिख दिया मैंने, दो बार तीन लिख दिया ना, ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे चार और यहाँ पे पांच, ठीक है। महीन बालू, बहुत महीन बालू, बहुत महीन बालू, ठीक है। उसके बाद छह सिल्ड और सातवीं क्लीन। देखिए यहां प्रश्न पहला बनता है कि यूएसए प्रणाली या संयुक्त राज्य कृषि प्रणाली, संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग प्रणाली, संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग प्रणाली के अनुसार, यूएसए कृषि विभाग प्रणाली या संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग प्रणाली के अनुसार। देखो एक ही नाम है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आप जानते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग प्रणाली के द्वारा मृदा के कण आकार को कितने भागों में बांटा गया है, प्रश्न आता है ना इस प्रकार से। प्रश्न ये बनेगा कि यूएसए कृषि विभाग प्रणाली के अनुसार मृदा के कण आकार को कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चों यूएसए के आधार पर सात भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, सात भागों में, सात भागों में बांटा गया है, कितने भाग बांटा गया है बच्चों, सात भागों में। देखिए अब इसका हम कण आकार बनाते हैं, ये तो नाम हो गए, यहां पे आ गया कण आकार। देखिए बहुत मोटी अखाड़ा में कितना होता है, एक से दो, मतलब कम से अधिक, लिखने में इसी का ध्यान रखना चाहिए कि पहले कम उसके बाद अधिक, बढ़ते हुए क्रम में, घटते क्रम में नहीं, बढ़ते क्रम में। तो कणाकार क्या होगा, एक से दो हो जाएगा, है ना, मतलब कम से कम तो एक और अधिक से अधिक दो, क्या mm। आप चाहो तो इसको समझने के लिए, चलो आपको मैं समझाने के लिए थोड़ा सा इस प्रकार से आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि फिर सिस्टम उल्टा सा जाएगा, फिर यहाँ आधे से एक हो जाएगा, फिर वो गणित बैठेगी नहीं आपके समझने की। तो मैं इसको सही लेता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में लेता हूँ, दो से एक mm, ठीक है। कणाकार, जिन बालू का कणाकार 2 mm से 1 mm होता है किसमें आते हैं,
बहुत मोटी में आते हैं। नेक्स्ट मोटी वाले, मोटी वाले में आइए, इसका आधा हो जाएगा एक से 1.5 mm, हो गया ना आधा। देखो दो का आधा एक हो गया, तो दो से एक बहुत मोटी वालू, अब एक से आधा मोटी वालू, ठीक है। अब आइए मध्यम वालू, जो मध्यम वालू आएगी इसका आएगा 0.5 से 0.25 mm, आ गया समझ में, 0.5 से 0.25 mm। कितना देखो, धीरे धीरे चलते रहे हम, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, 0.5 से 0.25 mm। आप इनको साथ के साथ बच्चों उतारते जाओ, आधा हो गया ना, आधा तो हो रहा है। उसके बाद 0.25 से 0.10, उसके बाद बहुत महीन बालों का 0.10 का आधा कितना होगा 0.505 mm, हुआ कि नहीं हुआ, 0.10 का 0.05 mm, तो ये आपको हो गया, कौन सा हो गया, ये आपको हो गया बहुत महीन बालू, हो गया ना बहुत महीन बालू। अब आप आइए किस पे, सिल्ट पे आइए। सिल्ट का जो कणाकार होता है कितना होता है 0.05 से 0.002 mm, ठीक है। और क्ले, क्ले का कणाकार होता है 0.002 mm से कम, ठीक है ना। इसको आप ऐसे कैसे उतार लेना, एक तरफ लिखना मृदा का नाम, कणों का नाम, एक तरफ कणों का आकार, यहां लिखना कणों का आकार, कणों का आकार, और यहां पे कणों का नाम, यहां पे कणों का नाम, कि कौन कौन से कण हैं, इनका यहां पे नाम लिख लेना, सात प्रकार के कण हैं और इनका आकार क्या है वो आप लिख लेना। देखो आकार में समझाऊं, सबसे अधिक आकार होता है 2 mm का, कितना होता है 2 mm का, तो 2 mm से 1 mm क्या हो गया बहुत मोटी बालू, फिर 1 mm से आधा mm क्या हो गया मोटी बालू, फिर आधे mm से 2.5 mm क्या हो गया मध्यम मोटी बालू, 2.5 से 1.0 mm क्या हो गया महीन बालू, 1.0 से 0.5 mm क्या हो गया बहुत महीन बालू, 0.05 से 0.002 mm क्या हुआ सिल्ट बालू, और 0.002 mm से कम क्या हुआ क्ले बालू, ठीक है ना। तो ये कणाकार का साइज आपको ध्यान रखना है, आपको केवल दिमाग में रखना है दो, दो का आधा एक, एक का आधा आधा, आधे का आधा 25, 25 का आधा 10, लगभग 10, 10 का आधा 5, 5 का आधा 0.2 से कम। तो दो तीन जगह है, तो ये जगह यहां पे आपको थोड़ा ध्यान दिमाग लगाना है, उसके बाद आपको यहां दिमाग लगाना है, बाकी का तो सही है सब। ये दो जगह है जहां पे जैसे 25 का आधा अलग होता है, लगभग 12.5 आता है, तो यहां हम 10 ही लेंगे, फिर 10 का आधा 5 बिल्कुल सही है, 5 का आधा अलग होता है, 5 का आधा अलग होता है, इसलिए यहां पे हम 0.002 mm लेंगे, और लास्ट में 0.02 mm से कम। इसको बच्चों ऐसे की ऐसे उतार लो, इसको सेम टू सेम उतार लो, इसको इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस सिस्टम, ठीक है। यूएसए प्रणाली आ गई, ठीक है। यूएसए प्रणाली के आधार पर मृदा के कणों को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों, मृदा के कणों को 7 भागों में बांटा गया है, यूएसए के हिसाब से 7 भागों में। आप इसको याद कैसे करोगे कि जो अमेरिका है ये 7 जुबों में आता है,
आता है ना, इसलिए सात भागों में अमेरिका बांटेगा। कितने भागों में बांटेगा? सात भागों में। अब आता है इंटरनेशनल, हो गया दूसरा हमारा है, दूसरा देखिए, इसको मिटा रहा बच्चों, आप इसको उतार लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। बाकी याद करने की दृष्टि से, याद करने की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करने की दृष्टि से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 0.002 से कम। ठीक है, आगे चलिए, मैं इसको डाल रहा हूं। नंबर दो, दो पे क्या है? अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सोसाइटी, अंतरराष्ट्रीय सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस, ये था ना, अंतरराष्ट्रीय सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस प्रणाली, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे इसको? इंटरनेशनल सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस सिस्टम, लिखेंगे ना इसको, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस सिस्टम। इसको शॉर्ट में इसका एक नाम हो रहा है, शॉर्ट में क्या नाम है इसका? ISSS प्रणाली, इसको शॉर्ट में इस नाम से भी जाना जाता है। अगर ये आ जाए ISSS प्रणाली के आधार पर मृदा के कणों को कितने भागों में बांटा गया है, या अंतरराष्ट्रीय सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस प्रणाली के आधार पर मृदा कणों को कितने भागों में बांटा गया है, या इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस सिस्टम के आधार पर मृदा कणों को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका आंसर एक ही आएगा, चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? चार भागों में। अब आपको शॉर्ट में याद कैसे करना है, देखिए यूएसए के आधार पर तो सात भागों में, और ISSS के आधार पर चार भागों में, ठीक है ना, कितने भागों में? चार भागों में। तो यूएसए के सात भाग हमने पढ़ लिए, बहुत मोटी बालू महीन, बहुत महीन सिल्ट और क्रे हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, हो गया ना, आई यानी इंटरनेशनल हो गया एस, एस यानी सोसाइटी हो गया एस, फिर दूसरा एस सॉइल, तीसरा एस साइंस। तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के आधार पे हम चार भागों में बांटते हैं मृदा कणों को। अब वो कण कौन कौन से हैं उनके बारे में आप लिखिए, उतार लीजिए इसको ऐसे कैसे बच्चों, अगर आपने ये नहीं उतारा तो ये भी उतार लीजिए आप, यूएसए के आधार पर सात भागों में और ISSS के आधार पर, IEEE के आधार पर चार भागों में, ये दोनों मैंने एक साथ लिख दिया। अब आप कंफ्यूज मत होना, यूएसए के आधार पर तो सात भागों में और ISSS के आधार पर चार भागों में किसको बांटा गया है, मृदा के कणों को बांटा गया है, और हम मृदा के कणों के आकार के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ISSS प्रणाली के आधार पर, उतार लीजिए इसको ऐसे कैसे आप, लिखने में आपका काम फास्ट होना चाहिए बच्चों, ठीक है। इसको चलिए अब लिखते हैं इनके नाम, इसको चार भागों में बांटा गया है, पहली है मोटी बालू, दूसरी महीन, तीसरी स्किल और चौथी क्ले। बहुत छोटा सा इसका विभाजन है, पहली आएगी नंबर एक पे मोटी बालू, नंबर दो पे महीन बालू, नंबर तीन पे सिल्ट बालू,
और नंबर चार पे क्लेवर, क्ले सॉइल, सिल्ट और क्ले। देखो सिल्ट बालू नहीं है, केवल सिल्ट है। अगर सिल्ट बालू होता तो मैं लिखता यहाँ, ये बलू ही मृदा है। बालू, सिल्ट और क्ले, तो बालू के कई रूप है। बालू जो मृदा है जिसको रेतीली मृदा बोलते हैं, तो मोटी मृदा और महीन, तो मोटी बालू और महीन। अब इनका कणाकार है, ये तो क्या है, मृदा का नाभ, ये मृदा का नाम हो गया। अब पढ़ेंगे कणाकार, कि कौन सी मृदा का कणाकार कितना होता है। मोटी बालू का कणाकार होता है बच्चों, हमने शुरुआत कहां से की थी, 2.0 से। कितना होएगा, 2.0 से 0.20 mm। समझने इसको ढंग से, इसमें समझने का खेल है। मोटी बालू, महीन बालू, सिल्ट और क्ले, ये कैसा हो गया, ISS प्रणाली का विभाजन। कणाकार देखिए, मोटी बालू जो होती है इसका कणाकार होता है यहां 2.0 से 0.2 mm। अब महीन बालू पे आओ, महीन बालू पे इसको याद आएंगे 0.20 से 0.02 mm। आगे समझ में कितना आ गया, पहले यहां था 2.0 से 0.20 mm, 2.0 से 2.0 से 0.20 mm, ये तो कौन सा हो गया, मोटी बालू का। महीन बालू का आइए, तो इसको हमने यहां सेव कर दिया ना, तो महीन बालू में 0.20 से 0.02 तक, 0.02 तक, ये किसमें आएगा, महीन बालू में। अब आगे चलिए सिल्ट, सिल्ट में इसको यहां ले आइए आप सेंट टू सेंट, उसकी तरह जैसे हम इसको लेके आए थे, 0.02 से 0.002 तक। उसमें भी आप देखना, वहां पे भी सिल्ट का जो एंडिंग है वो 0.002 तक ही है, उसके ऊपर नहीं है, है ना। तो 0.20 से 0.002 तक, तो ये हो गया सिल्ट का। और किले का तो मैंने आपको लिखवा ही रखा है, आपको बताइए दिया वही रहेगा किले का, तो 0.002 से कम। चाहे विभाजन अंतरराष्ट्रीय ISS प्रणाली के हिसाब से हो, चाहे विभाजन USA प्रणाली के हिसाब से हो, किले कण का आकार तो 0.002 से कम ही रहेगा, इसमें तो कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। सिल्ट कण का जो आकार है वो अधिकतम जो आकार होगा वो 0.002% ही रहेगा, 0.002 mm रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, 0.002 mm ही रहेगा, इससे ऊपर जाने वाला नहीं है। और क्ले का 0.002 से कम रहेगा। इसको लिखने का तरीका एक भी है, ऐसे लिख सकते हैं कभी कभी 0.002 से कम, कभी कभी चिन्ह लगा देते हैं इस प्रकार का, इस चिन्ह को यहाँ की जगह यहाँ भी लगा देते हैं, ऐसे आगे भी लगा देते हैं और इस चिन्ह को पीछे भी लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इससे कम, मतलब से कम, से कम, कभी कभी चिन्ह भी आ जाते हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि जो क्ले कण होता है उसका आकार 0.002 से कम ही होता है, ठीक है। तो ये आज का सिलेबस था, मेरे हिसाब से सिलेबस थोड़ा सा हमने कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट हैं ये, इनको थोड़ा टाइम से फिनिश करेंगे तो बेस्ट है। अब हम कल पढ़ेंगे इसको, उतार लेना बच्चों ऐसे के ऐसे सेम टू सेम, जो हो गया कल पढ़ेंगे हम सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा की संरचना। चलिए बच्चों, तो आप इसको लिख लेना आराम से, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं बालू, सिल्ट, क्ले सॉइल के ऊपर, तो वो आपको हम कल लिखवा देंगे, मेरे हिसाब से आज बहुत हो गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं इक्के दुक्के, जो हम आपको कल लिखवा देंगे या फिर आज ही लिखवा देते हैं, चलो कोई बात नहीं आज ही लिखवा देते हैं, क्योंकि फिर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा इधर का, फिर आगे फिर हम सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसमें जो क्ले मृदा जो होती है, क्ले मृदा है ना,
क्ले मृदा की जो जल धारण क्षमता होती है सबसे ज्यादा होती है, क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, और क्ले मृदा सबसे अधिक क्रियाशील होती है। इसको उतार लीजिए। अब मैं लिखा रहा हूं, जो लिखना कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो लिखिए आप, पहले प्रश्न जो है वो ये है, पहला पॉइंट कि क्ले मृदा अधिक गतिशील रहती है, क्रियाशील बोल, इसको क्रियाशील बोल सकते हैं कि क्ले मृदा अधिक क्रियाशील होती है। जिसको बोलते हैं एक्टिव सॉइल। दूसरा है क्ले मृदा की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। क्ले मृदा की जल धारण क्षमता कैसी होती है बच्चों? सर्वाधिक होती है। देखिए, हमने आपको बताया था पहली मृदा बालू, बालू यानी रेतीली मृदा, आगे समझ में? बालू मृदा किसे कहेंगे? रेतीली मृदा। दूसरी है सिल्ट, दूसरी कौन सी है? सिल्ट, ये इसके बीच क्लास की है। और तीसरी है क्ले, क्ले मृदा जो है इसको बोलते हैं काली मृदा। क्या बोलते हैं बच्चों क्ले मृदा को? काली मृदा बोलते हैं। काली मिट्टी, ये क्ले मिट्टी होती है। तो आप देखना, आप रेतीली मिट्टी में पानी डालो, पानी को तुरंत सोख लेगी, सोख लेगी ना। रेत में आप एक गिलास डालो पानी तो पानी को तुरंत सोख लेगी, लेकिन धूप पड़ने पर पानी को तुरंत ही छोड़ देती है। लेकिन क्ले मिट्टी है, ये पानी को एब्जॉर्ब, जैसे काली मिट्टी होती है जिसके हम मटके बनाते हैं, इस काली मिट्टी को पीस करके हम उसका आकार बना के उसमें पानी भरते हैं, उसके बाद पानी को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है। तो क्ले मृदा की वाटर एब्जॉर्ब कैपेसिटी कम होती है, स्लो होती है, कम नहीं स्लो होती है, वाटर एब्जॉर्ब कैपेसिटी स्लो होती है, लेकिन अधिक ज्यादा जल धारण क्षमता, मतलब अधिक समय तक वाटर को होल्ड करके रखती है। कौन सी मृदा? काली मृदा। जैसे नदियां आपने देखी है आपके आसपास के, तालाब हो, कुंडा हो कहीं पे, तो वहां देखना आप, जब बारिश का पानी होता है तो उस तालाब में सारा पानी इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म होती है और धूप तेज पड़ती है तो नदी का सारा पानी सूख जाता है, लेकिन नदी के अंदर, खेत के अंदर एक हिस्सा ऐसा होता है जहां पे पानी भरा रहता है, होता नहीं हिस्सा, एक हिस्सा ऐसा होता है जहां पे पानी भरा रहता है, और जैसे जैसे उस हिस्से में से पानी कम होता जाएगा वहां की मिट्टी फटती जाएगी, जैसे दरारें चलती है ना, वैसे उसमें दरारें चलना प्रारंभ हो जाएंगी। तो वो जो मिट्टी होती है, वो जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है, वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब रखती है, एब्जॉर्बेशन उसका मिट्टी के अंदर विद्यमान होता है, इसलिए जब सनलाइट पड़ती है तो पानी को इजी वे में या आसानी से वो निष्कासित नहीं करती, इसलिए सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता किसकी होती है? क्ले मृदा की या काली मिट्टी की। दूसरी बात, पानी को जल्दी एब्जॉर्ब और जल्दी छोड़ने वाली मृदा कौन सी है? रेतीली मृदा। कौन सी मिट्टी है? रेतीली। रेतीली में आप पानी डालो तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगी, है ना, तुरंत पानी को ग्रहण कर लेगी, लेकिन धूप पड़ने पर तुरंत उसको छोड़ देगी। तो रेतीली मृदा जो होती है, बालू मिट्टी होती है, बालू जिसको बोलते हैं, तो ये मृदा बहुत मोटी होती है, ठीक है, और ये पानी को एब्जॉर्ब भी करती है और छोड़ भी देती है। लेकिन काली मिट्टी बहुत बारीक मिट्टी होती है और ये पानी को बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है, लेकिन लंबे समय तक होल्ड रखती है, जल को लंबे समय तक धारण किए हुए रखती है, लंबे समय तक होल्ड रखती है, जल धारण यानी वाटर होल्ड क्षमता यानी कैपेसिटी,
तो जल धारण क्षमता अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को होल्ड रखना, पानी को मिट्टी के अंदर बनाए रखना, तो वो कैपेसिटी किसकी होती है, क्ले मृदा की ज्यादा होती है। दूसरी बात ये अधिक क्रियाशील मृदा है, ठीक है, अधिक एक्टिव सॉइल है। इसके अलावा कपास, कपास धान, ठीक है, की खेती के लिए, कपास धान गन्ने की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी कहलाती है ना, कपास धान और गन्ने की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे सर्वोत्तम मिट्टी मानी गई है। बच्चों देखिए ना आप इसमें, कपास धान व गन्ने के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी है, सर्वोत्तम मृदा क्ले मृदा, क्ले मृदा है। क्ले मृदा को क्या बोलते हैं, इसको मृतिका भी बोलते हैं, तो मृतिका मृदा है, क्ले मृदा या मृतिका मृदा है, ठीक है ना। कपास धान गन्ने के लिए इनकी बुआई हम काली मिट्टी में करेंगे तो बहुत अच्छी होगी, बहुत ही बेटर होगी, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में कहां पे, राजस्थान में काली मिट्टी कहां पाई जाती है, राजस्थान में काली मिट्टी कहां पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है दक्षिणी राजस्थान में। इसको आप यहां लिख लो कि दक्षिणी राजस्थान में काली मिट्टी पाई जाती है, दक्षिणी राजस्थान जिसमें आएगा आपके कोटा, झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, ठीक है, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, ये जो जिले लिखा है ना आपको, और भी जिले हैं, इनके कुछ कुछ इससे कोटा में काली मिट्टी है, उदयपुर में काली मिट्टी है, ठीक है। तो इन हिस्सों में दक्षिणी जो राजस्थान का एरिया आता है, ये नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी एरिया है ना, तो उस हिस्से में दक्षिण राजस्थान में काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है बच्चों, काली मिट्टी पाई जाती है, कैसी मिट्टी पाई जाती है बच्चों, काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है, काली मिट्टी कहां पाई जाती है, दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। तो ये इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने लिखवा दिए। अब हम कल पढ़ेंगे सॉइल स्ट्रक्चर। तो आज की क्लास मंडे क्लास हो गई है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलेंगे आपसे नई क्लास के साथ। तब तक के लिए मुझे आप आज्ञा दीजिए और आप रेगुलर क्लास लेते रहिए। देखो हमने भी पढ़ाई के समय में इम्प्रूवमेंट कर दिया, अब धीरे धीरे हम समय डबल ले रहे हैं ताकि आपको अधिक सुविधा मिले, और आप लोग इतना हमें कॉपरेट कर रहे हैं तो उसके बहुत धन्यवाद आपको। तो कल फिर मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए। और जिन विद्यार्थियों ने हमारी क्लास पहली बार ली है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको डेली की जो क्लासें हैं वो बिना सर्च किए मिल जाए, आसानी से मिल जाए। और लगभग मेरे हिसाब से आपको क्लासें अब सुबह ही प्रोवाइड हो जा रही है, 6 बजे के आसपास ही मिलती है, 6 बजे से पहले ही डल जाती है, तो इसलिए वो हम जल्दी डाल रहे हैं ताकि आपको सुबह, आप अगर कुछ बच्चे 4 बजे उठ के पढ़ते हैं तो 4 बजे उठ के भी पढ़े तो वो भी हमारी क्लास को आसानी से ले सके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन, धन्यवाद, थैंक यू।